तो अब हम कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, है ना। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में देखिए, पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो चार चीजें, मतलब सात आठ चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? एक तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है और डिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है। डिपेंडेंट यानी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या होता है ना। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, तो पेपर के पर्सपेक्टिव से एक तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। रेस कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि रेस कंडीशन क्या होती है। एक पी के ऊपर और वी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं सीमाफोर के, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारे पास चार चीजें होती हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, है ना। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रोग्रेस सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। और सिस्टम में डेडलॉक नहीं आना चाहिए। डेडलॉक कंडीशन नहीं है, वो अलग से चीज है, ठीक है। तो 99% जो आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, वो क्वेश्चन इन चीजों से बन सकता है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है या कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है ना। और एक चीज, हाँ, और एक और चीज होती है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो 99% मेरे अकॉर्डिंग, और आप खुद देख भी लेंगे, इनसे प्रोसेस आ सकता है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, व्हाट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज रेस कंडीशन। और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि वी, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दी उसने और कह दिया इतने पी ऑपरेशन परफॉर्म किए या इतने वी ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्या रिजल्ट रहेगा, ठीक है। या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तीन तो ये है ही, और इसके अलावा कोई एक दे देगा, वो आपका आंसर होगा। आपके DSSB या KVS NVS किसी के लिए भी 99.99% क्वेश्चन इसी में से आप देखेंगे, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में से आया है तो, ठीक है। बाकी 0.01% चांस है जिसके लिए हम थोड़ा, अब देखिए, जब तक हम चीज समझेंगे नहीं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है। रेस कंडीशन ऐसे तो दो लाइन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, हर चीज की दो दो चार चार लाइन की याद कर लीजिए। मगर सब्जेक्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे या फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर DBMS पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ क्या पढ़ा था वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने अभी डेडलॉक में समझा, तो जो वो चीज है वही यहाँ पे भी रहेगी। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम वो चीज आपकी वहां पे भी रहेगी जब आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल करेंगे DBMS में। कहीं भी ये टर्म रहे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो चीज हमेशा सेम ही रहती है। मैंने आपको तब बताया भी था कि जैसे एक्सक्लूसिव और गेट होता है, तो एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही होता है, एक्सक्लूसिवली या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों में साथ नहीं चलता। दैट सिंपली मीन्स कि एक्सक्लूसिव है वो। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बताइए। कोई एक रेस्पॉन्स भी करते यस रहिएगा, है सर। ना। तो अब हम देखिए, सिंपली हमें पढ़नी तो, बच्चों मैं इसको चाहूं तो क्लास को 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 99.99% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रोसेस अंडरस्टैंड रहे कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हीप में क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए मैं चार लाइनों में समझा सकता हूँ कि यही क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या आने लगे हैं, जैसे अब अगर आपको हीप इंसर्शन या डिलीशन नहीं आता, आपको नहीं पता बिल्ड हीप क्या है, आपको नहीं पता कि हीप है तो उसे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो शायद क्वेश्चन होने में दिक्कत आ जाएगी। तो जब आप कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उसको सही से कर लें, मेरा कहने का मतलब ये है ना। तो एटलीस्ट किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू तो हम समझे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्यों है ना। फिर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को बिल्कुल समझें कि क्या एक्चुअली में, कैसे हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगता है ना, या प्रोग्रेस कैसे सेटिस्फाई होगी, ये सारी चीजें। रेस कंडीशन कैसे आ रही है, डेफिनेशन तो सिंपल है कि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, या उस सीक्वेंस पर डिपेंड करती है कौन पहले खत्म हुआ। तो ये तो एक लाइन में खत्म हो गई, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे समझते हैं, क्लियर। तो देखिए प्रोसेस सर। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, तो विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस दो तरीके के होता है। हम किस रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पूजा जी आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं सपोज DBMS पे, ठीक है, और मेरे पास सब्जेक्ट है मान लीजिए हिस्ट्री, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ आप क्या पढ़ रहे हैं, हम दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है? आप अपना काम जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी चैप्टर पढ़िए, कुछ मर्जी करिए, मैं जो मर्जी करूं, हम दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं भी होगा तब भी काम चलेगा, है ना। बट मान सर लीजिए किसी ने हमें कहा कि हमें DBMS के ऊपर काम करना है, मुझे और आपको DBMS के ऊपर बुक लिखनी है, तो अगर हम दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, हम सेम चैप्टर पे काम कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो, है ना। यस तो वो काम जल्दी तब होगा जब हमें थोड़ी सिंक्रोनाइजेशन होगी।
कि या तो उस चीज पे आप काम करो या मैं करूं, या एक टाइम में आप काम करो एक टाइम में मैं काम करूं, तब वो चीज काम कर पाएगी, है ना। दोनों अगर एक सेम टाइम पे, मान लीजिए इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, मान लीजिए हमारे घर में एक ही कढ़ाई है, हमें कुछ सब्जी बनानी है ना, बट मान लीजिए मेरी प्रेजेंस और आपकी प्रेजेंस हम दोनों को नहीं पता है, कढ़ाई यहाँ पे है, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ आप भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, हमें ये नहीं दिख रहा कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। अब मान लीजिए सपोज आपको बनाना है पनीर, आपने इसमें उसका चीजें डाल दी जो डालनी है ना, और सपोज मेरे को बनानी थी दाल, मैंने उसके लिए कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे तो कुछ और ही बन जाएगा ना, हमारा डेटा का तो लॉस हो जाएगा ना। तो वो चीजें डिपेंड करेंगी कि कौन पर्सन कब काम कर रहा है, अगर हम सिंक्राइज नहीं करेंगे, एक ही चीज है। अब देखिए अलग अलग चीज है, मान लीजिए मुझे कुकर के ऊपर काम करना है, आपको कढ़ाई चाहिए, तो मैं जो मर्जी इसके साथ करता रहूं, आप जो मर्जी इसके साथ करते रहिए, हमें सिंक्राइजेशन नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं। मगर हमारे पास अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो हमें सिंक्राइज्ड वे में ही उसके साथ काम करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या करना है, हमें थ्रूपुट भी बढ़ानी है। अब ऐसे तो मैं ये काम कर सकता था, जब मेरा पूरा खाना बन जाए तब आप आना, है ना, तो मान लीजिए उसमें 1 घंटा लग रहा है, बट मान लीजिए उस पूरे खाने बनने के प्रोसेस के दौरान मुझे सिर्फ कढ़ाई की जरूरत 10 मिनट के लिए थी, तो 1 घंटे में 50 मिनट तो मैं फालतू में वेट कर रहा हूँ ना। तो वही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का काम है। जैसे मैं सुबह आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था किसका, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम में, तो वहां पे जो काउंट प्लस प्लस ये कर रहा है और इधर काउंट माइनस माइनस कर रहा है, केवल काउंट सेम वेरिएबल पे ये काम कर रहा है, अदरवाइज ये इन पे काम कर रहा है और ये आउट पे काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों के पास अलग अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, केवल एक सिंगल वेरिएबल ये है जिसके ऊपर दोनों काम कर रहे हैं, तो हमें काउंट को सिंक्राइज रखना है बस, दिस इज अवर गोल, है ना। तो अब ये काम करने के लिए हम कुछ चीजों का यूज करेंगे, है ना, थोड़े प्रोग्रामिंग स्किल्स हमें आनी चाहिए, इफ एल्स से सिंपली हम इसको अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अब पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखो अब पहली चीज हम समझ रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस और डिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है ना। तो प्रोसेस दो तरीके के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव या इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस की इफेक्ट करती है दूसरे प्रोसेस को, तो वो क्या कहलाते हैं, कोऑपरेटिव, वरना वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। अब देखिए अगर आकांक्षा जी एक बात बताइए, यहाँ पे मान लीजिए इसमें वेरिएबल होता इन सी ए बी, मान लीजिए ये 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहे होते हैं, और इसमें यूज हो रहा होता आउट नाम का वेरिएबल, और मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल, इसे पी प्रोसेस यूज कर रहा है, इसको क्यू, क्या इनमें दोनों में कोई भी सेम वेरिएबल है, तो आप इसकी वैल्यू जोड़ो घटाओ जो मर्जी करते रहो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्यू पे, या आप क्यू के साथ क्यू जो मर्जी काम करे, एक्स वाई जेड में चेंज करे, घटाए बढ़ाए कुछ भी करे, क्या पीक से उसको कोई लेना देना है। अगर ऐसा कुछ है तब ये कहलाएंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, और अगर इनमें कुछ चीज कॉमन है तब ये कहलाएंगे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। क्लियर हो गई ये बात, तो ये क्या आप वीडियो को समझ में आ गई होगी, है ना। तो अफेक्शन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस इज ड्यू टू कॉमन शेयर्ड रिसोर्स या कॉमन शेयर्ड वेरिएबल, समझ में आया। इफेक्ट किसकी वजह से पड़ता है, मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस में फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है, कि उनके पास कोई ना कोई कॉमन शेयर वेरिएबल होगा, कोई ना कोई, मतलब एटलीस्ट वन, एक हो एक से ज्यादा हो जो मर्जी हो, तो जितने होंगे फिर हमको उनको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं क्यों प्रोसेसिंग सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसकी एक प्रॉब्लम है, मतलब बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, शायद आपने नाम सुना होगा, कि एक प्रोड्यूसर है जिसका काम करना है प्रोड्यूस करना, कंज्यूमर है जिसका काम है कंज्यूम करना। सपोज ये वो जगह है जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूमर यहां से कंज्यूम करता है, क्लियर। सेम ऐसे ही हमारे पास प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम होगी, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे आप, जस्ट बच्चों इस पर्सपेक्टिव से तो देख सकते हैं ना कि चीज, जैसे आप पहेली की तरह समझो चीजों को, है ना, एक प्रोड्यूसर नाम का पर्सन और एक कंज्यूमर नाम का पर्सन, है ना, ये दोनों इसी सेम चीज पे वर्क कर रहे हैं। देखिए खाना बनाने वाला है, ये खाना खाने वाला है ना। अब खाना बनाने वाला अगर बनाएगा तो वो इन नाम के वेरिएबल को यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर वो एक और चीज बनाएगा तो बना के इन नाम के वेरिएबल पे रख देगा, मतलब अगली बार देखो यहाँ उसने कुछ बना के रख चुका है, यहाँ भी रख चुका है, यहाँ भी रख चुका है, तो नेक्स्ट चीज वो कहाँ पे रखेगा, निताश्री, 3 पे रखेगा ना। मान लीजिए उसने एम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो कहाँ रख देगा, 3 पे, और इसकी वैल्यू 4 कर देता, अगली बार कुछ बनाना होता तो वो यहाँ पे रख देता, इसकी वैल्यू क्या कर देता, 5, ऐसे करके वो आगे बढ़ता रहता। प्रेजेंटली इसकी वैल्यू क्या है, 3, मतलब अगर प्रोड्यूसर को कुछ प्रोड्यूस करना है तो वो कहाँ करेगा, ब्लॉक नंबर 3 पे, क्लियर है। इनकी हेल्प से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के बाद क्या हमारे पास
टोटल वैल्यू चार नहीं हो जाएंगे? अगर यहाँ पे आपने एम प्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं अभी टोटल, इस मतलब ये पर्टिकुलर समझ लीजिए हमारी किचन है, तो इसके अंदर कितनी चीजें हैं अभी? चार चार चीजें हैं ना, है, और प्रेजेंटली अगर हम इसको हटा दें तो इस फोर है, सिचुएशन में अभी हमारे पास थ्री चीजें हैं जिसको थ्री कंज्यूम है, किया जा सकता यस है ना। तो अगर प्रोड्यूसर आएगा तो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे। और अगर कंज्यूमर को कंज्यूम करना है तो कंज्यूमर विल नॉट यूज इन ऑब्जेक्ट, ये यूज करेगा आउट नाम का वेरिएबल। आउट क्या है? सर, जहां से कंज्यूमर को कंज्यूम करना है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जाके कंज्यूम करेगा, इन वेरिएबल को कंज्यूमर यूज ही नहीं करेगा। मगर देखिए अगर इसको कंज्यूम किया इसने तो ये जाएगा आउट के पास कि किचन में मुझे कहां से सामान उठाना है, आउट से, तो ये एक्स को उठा लेगा और अगली बार के लिए आउट क्या हो जाएगा, वन, कि मतलब नेक्स्ट टाइम अगर तुझे उठाना है तो कहां से उठाएगा, लोकेशन नंबर वन वन पे पे उठाओगे, है ना। मगर जब ये आउट को उठा लेगा नेताश्री, तो क्या इसकी वैल्यू को मुझे चेंज नहीं कर देना चाहिए भाई? काउंट चेंज हो जाएगा, अब हमारे पास केवल कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं हमारी किचन में, केवल दो ऑब्जेक्ट बचे हैं, है ना। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक तरीके से आउट की वैल्यू को एक घटाता है ना, और प्रोड्यूसर क्या करता है, इनकी वैल्यू को एक बढ़ाता है ना। बढ़ाता है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो प्रोड्यूसर एक काम और करता है, काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा देता है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट उसने इंक्रीज कर दिया है। दूसरी साइड कंज्यूमर क्या करता है, काउंट की वैल्यू को एक घटा देता है। तो ये दोनों सेम चीज पे काम कर रहे हैं ना, काउंट पे। तो देखिए अगर इसमें केवल इन और आउट अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे होते तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों कहलाते कैसे? इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, जिसका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप बात मेरी? हाँ जी, यस लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके पास एक शेयर वेरिएबल भी है जो है काउंट, है ना। तो काउंट जो ये यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये प्रोसेसेस कैसे कहलाएंगे, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। तो उस केस में हमें इन्हें सिंक्राइज करना जरूरी है। अब देखिए हम सिंक्राइजेशन नहीं करेंगे तो होगा क्या? अब आप एक स्थिति कंसिडर करिए, देखिए ये इनका कोड है, ये प्रोड्यूसर का कोड है और ये किसका कोड है, कंज्यूमर का। आप एक कोड को चला के देखिए, सिर्फ एक बार में एक कोड को चला के देखिए, प्रोड्यूसर ये चला रहा है, अभी तक सिचुएशन क्या थी, एक्स पड़ा था, वाई पड़ा था, जेड पड़ा था, काउंट में क्या पड़ा था, एक बार में एक को चलाना, थ्री, और ये था 0 1 2, और इन नाम के अंदर क्या पड़ा था, कहां पे प्रोड्यूस करना है आपको, फोर थ्री नंबर, पर थ्री पे, है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 था तो इनके अंदर भी थ्री था, यानी आपको लोकेशन नंबर थ्री पे नेक्स्ट प्रोड्यूस करना है, उसके बाद फोर पे, उसके बाद फाइव पे, व्हाटएवर। अब केवल आप इसका कोड चला के देखिए, किसका, प्रोड्यूसर का। अंदर आएंगे, वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड, तो ये तो वॉइड कोई इनपुट नहीं देने, नीचे आए, इंट आई टेम्प नाम का बनाया है ना, व्हाइल ट्रू, ट्रू का मतलब तो हमेशा ट्रू है ना, आप इस लूप के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे ना, एंट्री कर जाएंगे, मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस आइटम आई टेम्प, तो आई टेम्प नाम का कोई आइटम आपने क्रिएट किया, दैट मीन्स मान लीजिए आपने एम नाम का कोई आइटम जनरेट किया, आपने किचन में कोई नया सामान बनाया एम। अब आपका पर्पस क्या है कि इस एम को हमें इस लोकेशन पे रखना है और काउंट की वैल्यू को क्या कर देना है, फोर, और नेक्स्ट टाइम फिर इन हो तो कहां पे जाके हो, लोकेशन नंबर फोर पे, यही तो काम करना था। तो देखिए बहुत सिंपल है, नीचे क्या कर रखा है, व्हाइल जब तक काउंट इक्वल्स इक्वल्स एन के है। देखिए अगर काउंट बराबर हो गया एन के, मैंने आपको कहा था कि चैनल पे से सी की वीडियोस देख लेना, है ना। सेमी कॉलन का मतलब, बच्चों आपको ये पता होगा, व्हाइल कोई लूप है ना, अगर हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कभी भी पढ़ा होगा तो हमारे टीचर्स हमें मना करते थे यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, एरर आ जाएगा, करते थे कि कभी भी लूप के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाते, है ना, क्योंकि आप लूप के अंदर जो भी काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली में अगर आप कभी, बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा कि आप ऐसा लिखते हैं क्या, इफ ए ग्रेटर देन फाइव तो प्रिंट एफ ये, एल्स प्रिंट एफ ये, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, देखा है कई बार, हाँ जी, ये तब करते हैं जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट होती है तो ओके, हम ब्लॉक लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंपाइलर केवल एक ही को कंसिडर करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। ये बात क्लियर है भाई सभी को? तो हम इस केस में ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता जब केवल एक ही स्टेटमेंट होती है। बट मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप लूप लगा रहे हैं, व्हाइल आपने अंदर यहाँ पे कुछ लगाया, प्रिंट कर रहे हैं आप आई की वैल्यू, आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तब ये आप चाह रहे हैं चारों कंडीशंस इसके अंदर रहे, तो आप ब्लॉक को जरूर लगाना पड़ेगा। अगर ब्लॉक आप नहीं लगाएंगे तो ये केवल पहली स्टेटमेंट को अपने अंदर कंसिडर करेगा। मान लीजिए प्रिंट आई है, आपने लिख रखा है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू थी 1, ये लूप नीचे जाएगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता जाएगा।
अगर आप ब्लॉक लगा देंगे तो आई की नेक्स्ट टाइम वैल्यू, आई प्रिंट होगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, माइट भी आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बट बच्चों नहीं देखा है तो देखिए, अब हम डीबीएमएस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, कल ये खत्म हो जाएगा। सैटरडे संडे दो दो दिन फ्री हैं तो हम अच्छे से डीबीएमएस के ऊपर काम कर लेंगे कल, ओएस खत्म करके, क्लियर। उसके बाद आपका में सी और सी प्लस प्लस दो चीजें रहती हैं। पिछली बार अगर आप गौर करेंगे तो पायथन के क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है, पायथन के बेसिक, केवल लूप चलाने पे। पायथन के टीजीटी के हर सेट में दो दो क्वेश्चन है, बट जिसको सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, सिंपल ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन थे या फॉर लूप के ऊपर क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सारी लैंग्वेजेस मोर और लेस सेम है, सिंटेक्स का फर्क होता है जस्ट, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में लूप्स और कंडीशंस बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, तो उसको जरूर देख लें आप अपने टाइम निकाल के। ठीक, अब हम वापस आते हैं, आप सिचुएशन क्लियर हो गई होगी, लूप कैसे चलता है। वापस यहाँ पे आते हैं, काउंट की वैल्यू फिलहाल क्या थी, 3, और मान लीजिए हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने हैं, 6। क्या 3 इक्वल्स टू 6 है, बताइए। कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होगा, आप फॉल्स नीचे आ जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती ना तो आप यहीं घूमते रहते, क्योंकि कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट चलेगी, दोबारा चेक, दोबारा चेक, दोबारा चेक, तो ये लगा ही इसलिए, दिख रहा है सेमी कॉलन क्यों है। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, ब्लॉक से बाहर होते ही क्या होगा, आई टेम्प को डाल देंगे बफर के इन, ये बफर नाम का एरे था, बफर का इन, इन की वैल्यू है 3, तो जो भी आपने आई टेम्प क्रिएट किया था, दैट मीन्स एम, वो बफर के इन में चला जाएगा। ठीक है, इन प्लस 1 mod n, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स थे आपके, 6, है ना, कितने थे 6, इनकी वैल्यू प्लस 1 की, इनकी वैल्यू अभी कितनी थी 3, 3 प्लस 1 होगी 4, 4 को 6 से डिवाइड करके मॉडुलस करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा, इन के अंदर आप डाल देंगे 4। ये मॉडुलस पता क्यों किया है बच्चों, भरते भरते आप यहाँ आ जाए, कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर ले, तो अब अगला ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, 0 पे, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए प्लस प्लस ना करके इसने मॉडुलस वाला काम किया है, इन प्लस 1 में मॉडुलस करके डाल दें, बच्चों बात समझ रहे हो, कोई तो बोल लो। तो ये बहुत सिंपल काम किया इसने, अगर हम प्लस प्लस करते रहते ना तो यहाँ पे जाने के बाद वो फुल कर देता, मगर कंज्यूमर ये 3 कंज्यूम कर चुका होता तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ डालना चाहिए था, यहाँ, लाइक सर्कुलर क्यू, है ना, तो इसलिए इन प्लस वन मॉडुलस लगाना पड़ जाता, बस क्या, मैं कह रही हूँ उस केस में हमें फिर इफ लगा के चेक करना पड़ता। हाँ वहां पे देखो, उस देखो वो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात है कांशा, उस चीज को भी आप ऐसे ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इफ विफ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दीजिए रियर प्लस 1 मॉडुलस n को किस में डाल दीजिए, रियर में, कहानी खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगा, दोबारा पहुंच जाएगा। अगर हम मॉड नहीं यूज करते हैं हाँ, मॉड नहीं यूज करते तो हमें इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, डेफिनेटली तो करना हमें पड़ेगा, इफेल्स लगाना। हाँ बिल्कुल, इस लाइन को मतलब आप इफ एल्स से भी कर सकते थे, प्रोग्रामिंग अपने हाथ में है ना। फिर नेक्स्ट क्या करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो देखिए इसने m को यहाँ डाल दिया, इनकी वैल्यू 4 कर दी और ये 4 कर दी, क्या प्रोड्यूसर का कोड सही चल रहा है आकांक्षा। सेम अगर आप, क्या बताइए शिवानी, क्या बोल रहे हैं। नो अच्छा, सेम इस तरीके से आप कंज्यूमर का कोड भी चला के देखेंगे तो वो भी सही काम करेगा, है ना। बट बच्चों हमें अब यहाँ अगर सिंगल सिंगल ये काम कर रहे होते हैं ना बच्चों, ये कोड भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ये कोड भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, वही बात, मान लीजिए एक को कढ़ाई पनीर बनाना था, एक को दाल बनानी थी, तो दोनों कढ़ाई पे काम करना तो जानते ही हैं, अगर दोनों अलग अलग आए तो प्रॉब्लम तो किसी को भी नहीं है। बट चक्कर क्या है, 1 घंटा इसके पास है काम करने का, 1 घंटा इसके पास है, अब इसे नहीं पता इसको कढ़ाई किस टाइम चाहिए, इसको कढ़ाई किस टाइम चाहिए, ये तो आंख बंद करके सामान डाल देगा, इसको लगेगा कढ़ाई इसके पास है और ये भी डाल देगा, तो दोनों का मिक्स भी हो सकता है और सामान ही खराब हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसलिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि इसको पता हो इस टाइम अगर ये कढ़ाई को यूज कर रहा है तो मुझे नहीं करना, और इसे अगर ये दिख जाए कि ये कढ़ाई को यूज कर रहा है तो इसको नहीं करना, इससे क्या होगा दोनों के सामान पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। प्लस देखो अब आप एक बात बताइए, इनके पास शेयर वेरिएबल कौन सा है निताश्री, काउंट ही तो है इस पूरे प्रोग्राम में, सोचो इतने बड़े प्रोग्राम में काउंट की जरूरत कहां पड़ रही है, केवल यहां पे, यही लाइन तो है, क्या इसके अलावा ये किस पे काम कर रहा है, आउट वेरिएबल पे, ये किसके ऊपर काम कर रहा है सारा, इन वेरिएबल पे, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं ना। अब अगर मैं पूरे प्रोग्राम को कि ये चल रहा है तो भाई साहब तुम मत चलना, तो उससे क्या होगा हमारी थ्रूपुट डिक्रीज होगी, भाई इतनी देर में ये सारा काम यहां तक का निपटा सकता था ना, अगर ये काउंट के ऊपर काम कर रहा था तो यहां के रुक जाए, काउंट की जरूरत ही सही यहां पे। सेम इसी तरीके से ये
समझ में आ पा रही है बच्चों बात कि नहीं? तो अब सर यहां से मैं आपको दो चीजें समझाना चाह रहा हूं। अब आपको देखो दो चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होते हैं और कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है वो समझ में आ गई होगी। और देखिए सबसे ज्यादा स्टार मैंने लगा रखे हैं क्रिटिकल सेक्शन पे, वो चीज मैं आपको अब बता रहा हूं। तो बच्चों यहां पे मैंने लिख रखा है ये चीज सी एस है और ये चीज सी एस है, क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन बच्चों कौन सा एरिया होता है? क्रिटिकल आपको पता ही है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कि मतलब जहां पे स्थिति खराब हो सकती है। सेक्शन का मतलब वो एरिया, तो ये एरिया है जो क्रिटिकल है, यानी इसको आपको हैंडल करना है सही से सोच समझ कर। तो मतलब कि जहां पे शेयर वेरिएबल यूज हो रहा है वो एरिया क्या कहलाता है बच्चों? आपका क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन पे बस आपको प्रोसेस इंक्रीनेशन के दौरान क्या काम करना है, अगर तीन प्रोसेस भी होते चार भी होते तो क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक ही पर्सन को एक्सेस करना है। क्लियर हो गई बात? तो यानी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग से कंडीशंस लगा देंगे कि अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे पहले चेक करे, अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो ये एंटर कर जाए, और अगर इसे दिखे क्रिटिकल सेक्शन बिजी है तो ये वेट करे। ऐसा होगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही चीजें हमें अचीव करनी है थ्रू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो समझ में आया व्हाई वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, है ना? ये दो बातें क्लियर है भाई, बोलिए, यस है ना? अब यहां पे मैं ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, वहां पे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चीज अचीव करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों एक टाइम पे सेम चीज पे काम कर रहे हैं। निताश्री देखो एक्सेप्शंस लेके चलनी पड़ती है। अभी इनकी वैल्यू क्या है, मैं दोबारा से अब इसको कोड को कंसिडर करते हैं। हमारे पास क्या पड़ा है, एक्स वाई एंड जेड, है ना? ये है 0, 1, 2, 3 एंड 4। इनके अंदर क्या पड़ा है इस टाइम, अगर नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो कहाँ बनेगा, 3 पे। काउंट की वैल्यू इस टाइम कितनी है, 3 है। और ठीक आउट, अगर हमें आउट करना है तो कहां से करेंगे, लोकेशन नंबर 0 से। ये तो वेरिएबल सेट होंगे। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P0 मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नाम के दो प्रोसेस हैं। मान लीजिए दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, भाई हमें क्या चाहिए, पैरेललिज्म। ये भी पैरेलली काम कर सके, ये भी पैरेलली काम कर सके, तभी तो हमारे पास थ्रूपुट इंक्रीज होगी। हमारा मेन एम तो यही है कि जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हो वो चलते रहे, सब अपना अपना काम करते रहे। जहां पे वो सेम काम कर रहे हो, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं फिर डीबीएमएस में आसानी हो जाएगी। एक बात बताइए, आपको टिकट बुक करनी है निताश्री, ठीक है, यहां से जम्मू जाने की, मुझे भी करनी है, आकांक्षा को भी करनी है, किसी और को भी करनी है, हम चार जनों को बुक करनी है। हम चारों ने सेम टाइम पे लॉग इन कर लिया, ठीक है, हमें दिखाई सीट्स अवेलेबल 120, ओके, थर्ड एसी में। मैंने यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन दिया, बुक नाउ ऑप्शन देते ही यहाँ पे देगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स भरने के लिए। अब इसकी टाइपिंग स्पीड सबसे ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, सबको पांच पांच पैसेंजर के लिए बुक करनी है। तो एक बात बताओ, ये पर्सन तो बहुत जल्दी है डिटेल्स फिल कर लेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको उससे ज्यादा, इसको उससे ज्यादा। फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे, वहां पे इन्हें अपनी डिटेल डालनी है, कोई क्रेडिट कार्ड से कटवा रहा है, कोई फोन पे से कटवा रहा है, कोई पेटीएम से कटवा रहा है ना, किसी के वॉलेट में बैलेंस है, वहां पे भी इनकी स्पीड अलग अलग होगी। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वहां पे इनके पास ओटीपी आएगा, तब ये डालेंगे। अब एक बात बताइए, हमें ये ब्लॉक करने की जरूरत पता है कब है, केवल क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन पता है निताश्री क्या चीज है, नंबर ऑफ सीट्स, है ना? जब ये 5 सीट बुक कर रहा है इसको 3 बुक करनी है। जब ये पहुंच जाएगा ना पेमेंट वाले ऑप्शन पे, जहां पे ओटीपी आ जाएगा, जब ये ओटीपी डालेगा उस टाइम पे ऊपर मैसेज लिखा था प्लीज डू नॉट क्लोज द पेज, आता है कि नहीं आता है, या डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे अगर आपने बंद कर दिया ना उस टाइम पे ये इसके ऊपर लॉक लेता है, उस टाइम पे ये इसके ऊपर लॉक लेता है। अगर ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई और इसने 5 टिकट बुक की थी, अब आने वाले सभी को टिकट्स 115 दिखाएगा। तो अगर कभी आपने तत्काल में टिकट बुक की हो ना, तो जब आप बुक नाउ पे जाते हो तो नंबर ऑफ टिकट्स कुछ और दिखती हैं, जैसे ही आप डिटेल्स डाल के पेमेंट वाले पे जाते हो सकता है 120 थी और उस टाइम पे दिखाई दे 67, और हो सकता है जैसे ही पेमेंट होके आप वापस आओ तो आपको टिकट दिखाई दे सिर्फ 3, और हो सकता है आपकी टिकट बुक हो किसमें, वेटिंग में। अगर आपने किसी ने भी टिकट बुक किया होगा तो आप ये एक्सपीरियंस समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों होता क्या, क्योंकि उस दौरान हजारों प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं IRCTC को, ओके? 11 बजे तत्काल ओपन होता है नॉर्मल के लिए, 10 बजे एसी के लिए ओपन होता है। इस टाइम ऑल ओवर इंडिया हजारों लाखों कस्टमर यूज कर रहे हैं IRCTC को, बट सबको क्या लग रहा है, निताश्री आप बुक कर रहे हो आपको ये लग रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप सिंगल हो।
तो ऐसे ही प्रोड्यूसर जब ये कोड को एक्सेस कर रहा है, उसे लग रहा है मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है यहां से उठाने वाला, ऐसे ही कंज्यूमर को लग रहा है ना। ये हमारा गोल भी होता है कि हम उनको पता नहीं चलने देना कि कोई और सिस्टम में है। जब ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझेंगे। फिलहाल वापस आते हैं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज प्रोड्यूसर भी अपना काम कर रहा है और कंज्यूमर भी अपना काम कर रहा है, हमें कंकरेंसी इंक्रीज करनी है। कंकरेंसी इसकी इंक्रीज करनी है तो पैरेलली चलाना है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। पहले प्रोड्यूसर काम करे और अगर फिर कंज्यूमर करे, या अगर कंज्यूमर को करना है तो कंज्यूमर करे, प्रोड्यूसर अंदर जा ही नहीं सकता। मगर अगर हम कंकरेंसी कम कर देंगे तो हमारी थ्रूपुट घट जाएगी। और हमारा ओवरऑल गोल क्या है, सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना, थ्रूपुट को बढ़ाना, सबका वेटिंग टाइम कम करना, ये सारा हमारा गोल है। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी के अराउंड काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलाउ करेंगे साथ में अंदर घुसना, दोनों अपना काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। या देखो यहाँ पे काउंट क्या फुल है क्या, हेलो, ये 5 तक नहीं है ना, तो ये फुल नहीं है तो ये नीचे प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे अगर काउंट 0 होता तो एम्प्टी कर देते, बट काउंट 0 नहीं है, काउंट की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये भी अंदर जाएगा। ये आउट वेरिएबल पे काम कर रहा है, ये इन पे काम करेगा, हम यहां तक किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन इस वाली चीज को मैं क्रिटिकल सेक्शन में लगाऊंगा, कब लगाऊंगा, वो लगाने के तरीका मैं सिखाऊंगा, बट अभी लगी हुई नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे आती है। अब यहाँ पे आप समझिए, इस टाइम पे ये भी यहाँ पे आ गया क्रिटिकल सेक्शन में और ये भी यहाँ पे आ गया। मैं सुबह आपको बता रहा था काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 आपके लिए सिंपल है देखने में, बट होता क्या है, काउंट की वैल्यू लोड होगी सीपीयू के रजिस्टर में, फिर उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर जो भी रजिस्टर की वैल्यू है वो स्टोर होगी काउंट नाम के वेरिएबल में। ये 3 माइक्रो ऑपरेशन चलेंगे इसके पीछे, सेम काउंट को घटाने के लिए भी 3 चलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट, जी है ना। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं, तो होगा क्या, पैरेलली में थोड़ी स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट इसने भी काउंट को रीड कर लिया, तो इसने काउंट को क्या रीड करके दिया है इस रजिस्टर में, 3, और इसने भी काउंट को क्या रीड करके दिया है, 3। अब आप मुझे बताइए किसकी स्पीड आपको फास्ट रखनी है, किसको मान रहे हैं कि थोड़ा इससे ज्यादा फास्ट है, बताइए। प्रोड्यूसर को मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये डाल तो ऊपर ही चुका, जेड ये डाल डाल चुका है यहीं पे, वो ये एम नाम का वेरिएबल है ना। कंज्यूमर एक्स को कंज्यूम कर चुका, अब इनका काम क्या था, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था तो इसे इसकी वैल्यू एक घटानी थी, और प्रोड्यूसर चूंकि एक प्रोड्यूस कर चुका है इसे वैल्यू बढ़ानी थी। इसने भी काउंट 3 रीड किया, इसने भी काउंट 3 रीड किया। अब हम मान रहे हैं कि प्रोड्यूसर की स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा भाई, इंक्रीमेंट करेगा इसकी वैल्यू और स्टोर करके तो चला जाएगा काउंट की वैल्यू कितनी, 3 की जगह 4, है ना। अब हाँ भाई साहब जी हमारे ये तो थोड़े से स्लो थे, इन्होंने जस्ट इसके 1 नैनोसेकंड बाद ही ऑपरेशन परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया था, वैल्यू 3 रीड की थी, उसे 1 डिक्रीमेंट किया था और उस वैल्यू को स्टोर कर दिया था काउंट में, तो ये काउंट की वैल्यू को कितना कर जाएंगे आकांक्षा जी, 2। दो अब आप एक बात बताइए, प्रोड्यूसर ने एक प्रोड्यूस किया था, चलो हम मान लेते हैं कि एक्स प्रोड्यूस हो गया है, वो एम प्रोड्यूस हो गया और कंज्यूमर इसे कंज्यूम कर चुका है ना। इनकी वैल्यू को एक बढ़ा दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कुछ इनपुट आएगी तो वो 4 पे आएगी। आउट की वैल्यू को एक बढ़ा दिया गया है कि अगली बार आपको कंज्यूम करना है तो आप यहां से करेंगे। काउंट की वैल्यू को अब देखिए क्या तमाशा हुआ है, देखो दोनों अलग अलग वेरिएबल थे तो इन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन काउंट सेम वेरिएबल था। अब जिसकी स्पीड ज्यादा थी, जैसे इसने क्या किया बच्चों, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, इसने 4 करके गया था, बट काउंट तो एक ही वेरिएबल है ना, मैंने अलग अलग भले लिख दिया, काउंट तो एक ही वेरिएबल है। उसके जस्ट बाद जैसे इसने 4 किया, इसके बाद ये इसको क्या अपडेट कर गया, 2, तो काउंट की वैल्यू अब सिस्टम में क्या है, ओवरऑल 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए क्या 2 वैल्यू सही है बच्चों, क्या हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं इसके अंदर। देखो सक्सेसफुली प्रोड्यूसर ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, कंज्यूमर ने भी किया, है ना, बट चूंकि काउंट की वैल्यू, काउंट कॉमन वेरिएबल था और दोनों ने एक साथ एक्सेस कर लिया, हमारे साथ ड्रामा हो गया। देखो प्रोड्यूस बिल्कुल सही हुआ है, कंज्यूम भी सही हुआ है, बट काउंट कितने होने चाहिए थे, अब 3 होने चाहिए थे, लेकिन हो क्या गया, चूंकि कंज्यूमर बाद में चला है तो काउंट की वैल्यू को कितना करके गया बच्चों, 2, है ना, क्योंकि इसने वैल्यू 3 रीड की थी, इसने भी 3 रीड कर ली थी। अब चूंकि पहले इसने परफॉर्म कर दिया तो इसने 4 किया, लेकिन ये 3, इसने 3 को 2 किया और 2 को ये अपडेट कर देगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, है ना। बट बच्चों अगर मैं 1 सेकंड के लिए ये मान लू कि हमारा कंज्यूमर ज्यादा फास्ट था, तो दोनों ने वैल्यू कितनी रीड की थी, 3 3, कंज्यूमर क्या कर देगा, पहले उसको 2 कर देगा और बाहर चला जाएगा। अगले ही मोमेंट प्रोड्यूसर ने उसकी वैल्यू को एक बढ़ाया था यहाँ पे, और वो बढ़ी हुई वैल्यू को यहाँ पे डाल देगा, तो ये क्या कर देगा, 4। तो देखो अगर ये डिपेंड करेगा, आउटपुट ऑफ द काउंट यानी आउटपुट ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, यानी अगर पहले प्रोड्यूसर गया तो आउटपुट आएगी 2, और पहले अगर कंज्यूमर गया तो आउटपुट आएगी 4,
क्योंकि कंज्यूमर दो करके जाएगा तो, लेकिन प्रोड्यूसर उसके बाद उसको चार कर जाएगा, और दोनों ही आउटपुट ठीक नहीं है। मगर आउटपुट भी देख रहे हो गलत भी आ रही है, मगर डिपेंड कर रही है कौन ज्यादा फास्ट है, यानी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। बोलिए। हेलो। हाँ जी, तो ये चीज जो कहलाती है, ये कहलाती है रेस कंडीशन। तो मेरे ख्याल से सारी डेफिनेशंस और क्रिटिकल सेक्शन क्या है, अब देखो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्जी चलाते बाकी सारी लाइंस को। अगर मैं यहाँ पे लॉक लगा देता कि एक बार में काउंट को एक ही आदमी एक्सेस करे, तो आकांक्षा देखो होता कि अगर ये काउंट लॉक में होता। अब इस सिचुएशन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। काउंट है हमारा लॉक में, काउंट क्या है हमारा लॉक में, ये क्रिटिकल लॉक। सेक्शन था, हमने लॉक में रख रखा है दोनों, ठीक है। दोनों ऊपर से जैसे मर्जी आए, आप बताइए किसको फास्ट रखना है, प्रोड्यूसर को फास्ट मानेंगे कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर को। मान लीजिए प्रोड्यूसर फास्ट है, तो ये काउंट नाम की लाइन पे पहले पहुंच जाएगा। अब ये काउंट पे जाएगा तो मैं लॉक लगा दूंगा कि कोई और अंदर ना जाए, क्योंकि मुझे प्रोसेस इनक्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में चाहिए प्रोसेसेस, कि एक बार में एक ही बंदा एंटर करे। शिवानी जी बात समझ पा रहे हैं आप? अब अगर ये पहले यहां पहुंच गया, इसने अंदर घुसा, मान लो रूम के अंदर घुसा और इसने कुंडी बंद कर ली, तो क्या इतनी देर में कंज्यूमर आ गया, तो क्या कंज्यूमर रूम के अंदर घुस पाएगा? नहीं, बस हमें वो ये एरिया वेट। प्राइवेट रखना है। अब ये काउंट को एक बढ़ा के निकलेगा आकांक्षा। आकांक्षा जी काउंट की वैल्यू क्या कर जाएगा, एक बढ़ा जाएगा, काउंट को कितना कर जाएगा, चार। इसके बाद इसका प्रोग्राम खत्म, सक्सेसफुली ये एक इंसर्शन कर चुका है, ओके बाहर चला गया। ये बाहर बेचारा खड़ा हुआ खटखटा रहा था, नॉक 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 नॉक, है ना। जैसे ही बाहर गया हम इसका लॉक ओपन करते हैं, लॉक ओपन करते ही ये काउंट को एक्सेस कर पा जाएगा। मगर काउंट की वैल्यू इस टाइम आकांक्षा इसको एक्सेस क्या होगी, फोर। फोर। अब ये फोर पे एक घटाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, तीन। अब एक बात बताओ, कोई सिचुएशन हुई, दोनों ऑपरेशन पैरेलल ही चले हैं, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस भी किया और कंज्यूमर ने कंज्यूम भी किया, बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, तीन ही आनी चाहिए थी ना भाई। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस भी कर लिया, कंज्यूमर ने कंज्यूम भी कर लिया। एक सेकेंड के लिए आप ये मान लीजिए कंज्यूमर की स्पीड तेज थी, है ना, तो क्या होता, ये पहले आके लॉक ले लेता, लॉक ले लेता या नहीं, काउंट की वैल्यू उसको क्या रीड होती इस टाइम पे, थ्री, है ना। इतनी देर में ये आ गया तो ये लॉक ओपन नहीं कर पाएगा, अंदर दूसरा उसने कुंडी बंद कर ली। अब क्या होगा, ये काउंट की वैल्यू तीन है, इत्मीनान से ये तीनों ऑपरेशन चलाएगा, काउंट की वैल्यू को एक घटाएगा, उसको रजिस्टर में डालेगा, उसको डिक्रीमेंट करेगा, तब रजिस्टर की वैल्यू काउंट में अपडेट करेगा, ये वैल्यू अपडेट करके कितनी कर देगा आकांक्षा, दो। जैसे ही कंज्यूमर बाहर जाएगा तभी ये लॉक अपने आप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको काउंट की वैल्यू क्या रीड होगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करना था, काउंट की वैल्यू उसको मिलेगी कितनी, टू। टू प्लस वन कितनी करेगा ये, थ्री, और थ्री करके बाहर चला जाएगा। अब एक बात बताओ, ये इसकी स्पीड फास्ट थी या इसकी स्पीड फास्ट, क्या काउंट पे कोई फर्क आ रहा है? अगर नहीं। आप क्रिटिकल सेक्शन को सही से मेंटेन कर लें तो आपके पास रेस कंडीशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होगी, तभी उसे रेस प्रॉब्लम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेस में कौन पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बदल रही है। मगर यहाँ पे किसी की भी स्पीड तेज हो, अगर आप क्रिटिकल सेक्शन को सही से डील कर लेंगे तो आपके पास कभी भी रेस कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बताई थी बच्चों, क्या इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, क्या डिपेंडेंट प्रोसेस मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं, है ना, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है, क्या ये सब चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बोलिए, बोलो भाई, है ना क्लियर है शिवानी, आपको क्लियर है? इस वीडियो को कल एक बार फिर और देख लेना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से शायद मैंने अपनी जिंदगी में इससे आराम से नहीं पढ़ाया कभी ये टॉपिक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात, है ना। नहीं भी होगी स्टिल ओके, जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तो ये लॉक कैसे लगाते हैं वो चीज वहां से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, जितना हम जिस चीज के ऊपर काम करते हैं उतना ही क्लियर होता है, बट मुझे सिर्फ ये चार डेफिनेशन याद करानी थी, उसके लिए जितना हमने काम किया है शायद अब क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन रटनी तो नहीं पड़ेगी कि इसे क्रिटिकल सेक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन इज ए एरिया वेयर वी एक्सेस व्हाट, कौन सा एरिया होता है जहां पे हम शेयर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं या सिंपल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे बिजली का करंट आ रहा है, क्रिटिकल सेक्शन बस क्या है हमारा, वो एरिया है जहां पे हम कॉमन वेरिएबल्स यानी जो शेयर्ड वेरिएबल है उनको एक्सेस कर रहे हैं, बस। तो उस एरिया को हमें तमीज से एक्सेस करना है बस, है ना, लॉक वगैरह लगा के कि एक बार में एक ही पर्सन एक्सेस कर पाए, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो। बच्चों हो सकता है कि कंज्यूमर आए ना, प्रोड्यूसर को केवल, मान लो आपके पास बहुत सारे ब्लॉक है, प्रोड्यूसर आया एक चीज प्रोड्यूस करके चला गया, मान लो एम बना गया, इनकी वैल्यू क्या कर गया, चार, काउंट की वैल्यू चार कर गया, फिर प्रोड्यूसर आया इसने एक और नई चीज बना दी एन, तो
एंड अगली बार इनकी वैल्यू कितनी कर गया, 5, और इसकी वैल्यू कितनी कर गया, 5। कंज्यूमर नहीं आ रहा भाई, कंज्यूमर जब आएगा, जब किसी को भूख लगेगी तभी तो वो कंज्यूम करेगा, तभी तो एक आइटम खत्म होगा, तो वो हमारे पास जरूरी नहीं है। बट आप इनके हिसाब से थोड़ी काम करोगे, आप तो एल्गोरिदम एक बार बना के छोड़ देते हो। अब दुनिया में जो मर्जी सिचुएशन हो, वो हमेशा सही एक्ट करना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है IRCTC ये सोच के बनाएगा कि एक ही टाइम पे थोड़ी सारे जम्मू जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। बट उसने एक बार प्रोग्राम डिजाइन किया तो वो ऐसा कर दिया, अब जैसे मर्जी काम होता रहे। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक, तो आपको ये सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी आई थिंक सो, अच्छे से, है ना। अब देखिए, इसमें पहली प्रॉब्लम क्या आ रही थी आकांक्षा, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी। कैसे इनकंसिस्टेंट हो रहा था ना क्योंकि भाई, काउंट की वैल्यू हो सकता था हाँ 4 हो सकता था, काउंट की वैल्यू 2 हो, दोनों ऐसे ही नहीं है, तो डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो सकता है ना। तो वो प्रॉब्लम अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइज करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, अब देखो रेस कंडीशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी ये भी है, कोई भूले तो, द आउटपुट ऑफ एनी वेरिएबल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के दौरान अगर प्रोड्यूसर पहले एग्जीक्यूट करता लास्ट में तो काउंट की वैल्यू 4 रहती, और अगर कंज्यूमर लास्ट में एग्जीक्यूट करता तो वैल्यू 2 रहती। दो समझ में आ रहती रही है कि नहीं? तो ये अलग अलग सिनेरियो बन सकते थे, यही सिनेरियो क्या है, रेस कंडीशन। बट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी करके दिखा दिया था कि अगर आप यहाँ पे लॉक ले लें, मतलब सिंक्राइज कर दें इनको, तो क्या फायदा होगा हमारा, फिर दूसरा अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास यानी क्रिटिकल सेक्शन को आपको, देखो यहाँ पे एक और चीज हमने पढ़ ली, क्रिटिकल सेक्शन को आपको कैसा रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर पाए। समझ में आ गया? इसी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सिर्फ आपको इस चैप्टर में दो ही चीजें पढ़नी रहेगी, व्हाट इज प्रोग्रेस, व्हाट इज बाउंडेड वेटिंग, बस पी और वी ऑपरेशन, कहानी खत्म, है हाँ ना। बट अभी एक और प्रॉब्लम जो इसकी वजह से आती है, रेस कंडीशन हम समझ चुके। अब जैसे लॉस ऑफ डेटा प्रॉब्लम है, जैसे उसमें हमारा लॉस नहीं हो रहा डेटा का, डेटा का लॉस का मतलब क्या होता है कांचा? इसके लिए हम एक और सिचुएशन समझ रहे हैं, और आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक और एग्जांपल कर लेंगे तो, है ना, बस फिर कहानी खत्म है। प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, सुबह इसको डिस्कस भी किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास प्रिंटर स्पूलर डायरेक्टरी में ये है, इनका मतलब क्या है कि नया प्रोसेस कहाँ आएगा। जैसे एक्स नाम का डॉक्यूमेंट पड़ा है, वाई नाम का और जेड नाम का, मुझे एक नया डॉक्यूमेंट लाना है तो मैं प्रिंटर की डायरेक्टरी में यहां रखूंगा। अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो इस टाइम प्रिंट क्या होगा, आउट के सेक्शन से होगा। कहाँ के सेक्शन से होगा, आउट के सेक्शन से होगा। ठीक है, तो इन एंड आउट यहाँ के केस में समझ में आ गया क्या वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, अब लॉस ऑफ डेटा की प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए प्रिंटर ने एक चीज, मान लो हम इन नाम के ऑब्जेक्ट से एक चीज लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, कहाँ पे हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, आउट का मतलब हम कहां से वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो कई बार इसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मान लीजिए मैंने इनको अभी चलाया है ना, तो वैल्यू यहां पे जा रही है, सेम टाइम पे मान लीजिए अगर मैं इनको अपडेट नहीं कर पाया और कोई और पर्सन आके उस टाइम पे वो चीज एक्सेस कर रहा है। देखो बच्चों चक्कर क्या है आकांक्षा जी, मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, सपोज मेरे को प्रोड्यूस करना है, ऐसा ये कंपलसरी थोड़ी है कि यही प्रोसेस केवल प्रिंट की कमांड दे सकता है, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं कोई भी प्रिंट की कमांड दे सकता है कि नहीं। हाँ ये जी कौन यूज, आउट नाम का वेरिएबल कौन यूज कर रहा है, प्रिंटर, कि मुझे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन प्रिंट करना है। समझ आ रही है बात? आप देखो जी अगर आपको लगे कि सर एक ही प्रोसेस पे, प्रोसेस तो अंदर चलो कंप्यूटर में और है, प्रिंटर तो हमारे पास कंप्यूटर पे तो एक ही आदमी बैठा है, जब उसको पता है मैं एक कमांड दे गया दूसरी क्यों देगा, है ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर हम लैन से कनेक्ट कर दें साइबर कैफे पे तो 10 सिस्टम इससे कनेक्ट नहीं होते, होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते है जी ना। तो इन नाम का वेरिएबल ये है कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी हमें जनरेट करना है वो कहां पे है। ठीक है, तो आकांक्षा इन किस लिए यूज हो रहा है, हमें प्रिंटर में प्रिंट की कमांड देने के लिए, और प्रिंटर यूज कर रहा है आउट को कि कौन सा पेज अभी प्रिंट हो रहा है। अब आप एक सिचुएशन कंसिडर करिए कि मेरे पास, मैं प्रिंट की कमांड को यूज करता हूं, है ना, एक ये पी नाम का पर्सन है और क्यू नाम का पर्सन है, किसने यूज किया, किस कमांड को, प्रिंट वाली को, तो ये इनकी वैल्यू को क्या रीड करेगा इस टाइम, 3, और इसको यहां पे जनरेट करना था। बट जैसे ही इन 3 करके आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं तो आपको इनको प्लस प्लस भी करना है ना। बट ये प्लस प्लस होने में आपको पता है फिर वही 3 कमांड चलेंगी माइक्रो ऑपरेशन। इतनी देर में क्यू ने इनकी वैल्यू को रीड कर लिया, क्यू ने क्या किया, इनकी वैल्यू को रीड कर लिया। अब आकांक्षा आप थे पी, मैं हूं क्यू, है ना, आपने क्या किया, एम नाम का डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट किया, आपने एम की वैल्यू क्या रीड करी थी, 3।
आपको जी अगली बार आपने फोर की, नो डाउट आपने फोर की, मगर ये ऑपरेशन चलने में जो माइक्रो सेकेंड का टाइम लगा, उतनी देर में मैंने इनकी वैल्यू को रीड कर चुका, मुझे इनकी वैल्यू कितनी मिल गई, 3, है ना। आपने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया m, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप क्या कर गए, इनकी वैल्यू को प्लस प्लस करके 4 भी कर गए, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा स्लो था, मैंने अपना काम किया, मैंने क्या किया, मुझे प्रिंट करना था k नाम का डॉक्यूमेंट, है ना। तो मैंने कमांड दे दी, मैं कहाँ दूंगा कमांड, वो कहाँ पे रखूंगा मैं प्रिंटर की डायरेक्टरी में, इन नाम के ब्लॉक में। तो मैं m हटा के यहाँ क्या डाल दूंगा, k, और मैं इनकी वैल्यू को क्या करके चला जाऊंगा, 4। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इन तो एक एम्प्टी ब्लॉक पे है, मगर जो आकांक्षा जी आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट होने की कमांड दी थी ना, वो कमांड आपकी गायब हो गई। आपको लगेगा पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, समझ में आया। बट अगर ऐसा होता कि इन शेयर वेरिएबल था जो सारे प्रोसेसेस यूज कर सकते थे, मैं इसके ऊपर ब्लॉक ले लेता, तो इन अगर आकांक्षा जी अभी आपके पास था, तो मैं इनको यूज नहीं कर पाता। हाँ जितनी देर जी तक आप इनको रिलीज नहीं करते, तब तक फिर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। तो देखो, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, जो पहले देखा। इनकंसिस्टेंट का मतलब यार वैल्यूज की क्या है, वैल्यू 2 है या 4 है, समझ ही नहीं आ हाँ रहा, जी है ना। लॉस ऑफ डेटा मतलब देखो, आपने यहाँ पे कौन सा हाँ डेटा डॉक्यूमेंट दिया था, एम नाम का प्रिंट होने को, मैंने के दे दिया, अब एम नाम का तो जिंदगी में प्रिंट होगा ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट ओवरराइट हो चुका है, ये बात समझ में आई। तो डेटा का लॉस भी हो सकता है अगर हम प्रोसेस को सही से सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो। पूजा जी क्लियर है ये बातें? देखो, ये सिर्फ इसलिए यस मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको टॉपिक, और जरूरी नहीं है बच्चों पेपर, तो आप ऐसा नहीं है कि कसम खा के एक ही पेपर देते हैं, और भी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। आप इसको अभी पढ़ें, सही बता रहा हूं मैं, वरना मेरे कोई शौक नहीं है कि मैं इतना डिटेल में जाता। दिक्कत यह है जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे ना, कल को कंप्यूटर नेटवर्क शुरू करोगे, 2 दिन इसमें पढ़ के 4 टॉपिक याद करके ना, ये भी दिमाग से उतर जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी था। जो चीज आपने डिटेल में पढ़ी है ना बच्चों, अच्छा मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक मूवी का ट्रेलर देख लो, है ना, और आप एक मूवी देखो, मूवी देखने में आपको 3 घंटे लगे, है ना, और ये जो मूवी का ट्रेलर या मूवी का आपने समराइज फॉर्म देख लिया ना, कोई फास्ट फॉरवर्ड में कोई बनाता हो, 10 मिनट में उसने मूवी का पूरा सब कुछ इन शॉर्ट सारी चीज दे दी, क्या क्या हुआ, आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहती है या ये? आपको एक नॉवल खुद पढ़ो, और है ना, आपको एक नॉवल खुद पढ़ो, और एक ये है कि नॉवल की केवल स्टोरी कहीं से या किसी कुकू एफएम यूएफओ से डायरेक्ट सुन लो, आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहेगी जो आपने डिटेल में पढ़ी थी, ये फैक्ट है 100%। अगर कोई चीज 20 मिनट में आप पढ़ रहे हो तो वो 2 घंटे में गायब भी हो जाएगी, और किसी चीज को आप 4 घंटे लगा के पढ़ रहे हो तो वो गायब होने में कम से कम 10 दिन लेगी, समझ में आ रही है बात। जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ, अगर इसके बाद आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके अपने दिमाग में इंकलकेट कर लेना, ये चीज कभी जिंदगी में जाएगी नहीं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में एक भी रटने की चीज नहीं, आप मुझे एक भी टॉपिक का नाम बताया ना सर वो रटने वाला था, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये वो, दुनिया भर के 100 फॉर्मूले, 50 चीज याद करनी होती है, कंप्यूटर साइंस में कोई एक सिंगल चीज हमें क्यों याद है, ये याद नहीं है, सब कुछ समझा हुआ है ना। याद होता तो वो तो फिर बार बार इसको ही बोल के देखे जाता मैं, ठीक है। वापस आ जाइए, लॉस ऑफ डेटा की प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर है। जब इसको हम छोटे पन में देखेंगे, अब हम टॉपिक लगभग हमारे हो चुके हैं, हमें सिर्फ क्या देख, क्या सबको आप सब बता सकते हैं भाई, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है निताश्री, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस डिपेंड ना करता उसके पास इतने सोर्सेज हैं। अच्छा, कोई और बताएगा, पूजा क्या होता है? इसमें जो कॉमन शेयर वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब शेयर वेरिएबल डिफरेंट हो ही नहीं सकते, शेयर वेरिएबल तो शेयर ही होते हैं, मगर कहने का मतलब मैं समझ गया हूं आपका, मतलब अगर प्रोसेसेस के बीच में वेरिएबल्स कॉमन ना हो तो वो कैसे यस कहलाएंगे, सर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, और अगर उनके बीच में कोई कॉमन वेरिएबल है तो वो प्रोसेसेस कैसे ये तो कहलाएंगे, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव प्रोसेस कहलाएंगे, है ना। तो ये कोई बड़ी बात है अब याद रखने के लिए, बताइए, मैं कह रहा हूँ 4 दिन बाद भी ये बात तो याद ही रह जाएगी, आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर भूल जाओ, है ना, आप प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम भूल जाओ, भाई मेन बात तो याद रहेगी। अब रेस कंडीशन क्या होती है ये याद रहे, अच्छा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन, क्या डेफिनेशन बताएंगे बताओ, कुछ भी डेफिनेशन, शेयर्ड वेरिएबल्स को एक्सेस मतलब हाँ, करते जिस हैं जिस एरिया में हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, शेयर शेयर्ड वेरिएबल को, शेयर्ड वो एरिया वेरिएबल्स क्रिटिकल को। सेक्शन कहलाता है, मतलब उस एरिया को, जैसे अभी इसने कैसे प्रोग्राम बना रखे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रखे हैं हम, ऐसे ना करें हम इनके ऊपर कुछ कंडीशन वंडीशन लगाएं कि एक बार में एक आदमी ही जा पाए अंदर,
दूसरा ना जा पाए, है ना। तो वो यस एरिया कैसा कहलाएगा? क्रिटिकल सेक्शन। भाई जैसे सीपीयू है, क्रिटिकल एरिया है, तो ये थोड़ी है कोई भी मरीज, कोई भी उसका रिश्तेदार, कोई भी अंदर घुस जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में तो डॉक्टर ही जा पाता है, आप कितने भी उसके खास हैं। क्या आप सीपीयू के अंदर अंदर एंटर कर पाते हैं? सीपीयू बोल रहा हूँ, आईसीयू के अंदर एंटर कर पाते हैं क्या आप? नो नहीं जाते ना। सर, तो क्रिटिकल यूनिट ही तो है, इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट समथिंग, यही तो होता है। तो वहां पर अंदर नहीं जा सकते। लाइकवाइज हमें क्रिटिकल एरिया बनाना होता है। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों 3 स्टार दे रखे हैं मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो वो यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, या 3 स्टार इसके ऊपर है। ठीक है, बस बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं। इस पे 3 स्टार मैं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि ये एक ही जगह नहीं है, ये अराउंड 3 सब्जेक्ट में है। ये डिजिटल में भी है और भी कहीं यूज होता है। तो रेस कंडीशन का मतलब हमेशा सेम रहेगा हर जगह। क्लियर हो गया बच्चों यस बात, है ना। बाकी सब नॉर्मल सर, बातें थी। इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्लियर हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्रिटिकल सेक्शन हो गया, रेस कंडीशन हो गया। रेस कंडीशन क्या है? अच्छा यहां से ध्यान रखना आपको, किससे? दिमाग में मैंने इतना लंबा इसलिए समझाया है कि एटलीस्ट आपको मेन बात याद रह जाए। देखो प्रोड्यूसर अगर पहले निकल गया तो काउंट की वैल्यू कुछ और रहेगी, कंज्यूमर पहले निकल गया तो काउंट की वैल्यू कुछ और रहेगी, अगर आपने लॉग तमीज से नहीं लिया तो यानी आउटपुट ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अराउंड 2 से 3 बार ये डेफिनेशन आ चुकी होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको वहां देखते ही क्लियर हो जाएगी। प्रदीप क्लियर है क्या? प्रदीप तो है ही नहीं भाई। गौरव क्लियर है भाई? सर कहाँ है प्रदीप आज? उसकी वो इलेक्शन में ड्यूटी वगैरह है तो बिजी है सर, वो आज अच्छा और कल। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ, इलेक्शन चल रहा है ना हरियाणा में सरपंची के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ये बहुत दिक्कत है। चलो कोई नहीं। क्या चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चल हाँ अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हम ये 3 जो बातें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करेगा तो प्रोसेस सही से सिंक्रोनाइज रहेंगे, वो अब हम देखते हैं। तो बच्चों प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव, देखो बात सुनो, डेडलॉक के लिए 4 कंडीशन होती हैं। इसका मतलब अगर ये कुछ होगा तो डेडलॉक आने की संभावनाएं हैं, है ना। वो चीज तो वो है, डेडलॉक इज अ प्रॉब्लम बट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए ना तो ये 4 चीजें आपको अचीव करनी पड़ेंगी। क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना पड़ेगा कि नहीं? एक बार में भाई इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन में एक ही पर्सन घुस पाए। अगर ऐसा होगा तो आपकी वैल्यूज पे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब प्रोसेसेस फिर गड़बड़ क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है ये मैं समझाऊंगा विद हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हैं? तो ये डेफिनेशन तभी पढ़ लेना उसके बाद, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तब कर लेंगे। क्रिटिकल इसका समझ सकते हैं आप, नो टू प्रोसेसेस मे बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन साइड द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब बच्चों क्लियर है आपको? वो एरिया जी जहां पे आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, जहां पे आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। बाकी पूरी जगह दुनिया भरी में कहीं पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लाइन, ये कुछ भी एक्सेस कर भाई, हमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। लेकिन ये काउंट वाली लाइन जो है, इसको ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो दोनों में लाइन सेम है, दोनों शेयर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ये बढ़ा रहा है ये घटा रहा है। ठीक है, हेलो। अब आप कहोगे सर फिर इसको क्यों नहीं कर रहे? कोई मुझे अच्छा बताएगा आप में से? सर ये यहाँ पे भी तो काउंट शेयर वेरिएबल यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? एनीवन फ्रॉम यू? यहाँ पे मैं कुछ भी लॉक यहाँ नहीं लगाऊंगा। पे हम लोग कोई अकाउंट के ऊपर मतलब राइट ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म परफॉर्म नहीं कर रहे, नहीं कर राइट रहे। हाँ ऑपरेशन या परफॉर्म, राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हम, वेरी केवल गुड रीड ऑपरेशन परफॉर्म। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहां पे हम काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, काउंट को हमने जस्ट रीड किया। इससे इसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, इसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, भाई काउंट की जो वैल्यू है वही रहेगी ना। तो इस पे कुछ घटाया बढ़ाया थोड़ी, यहां पे तकलीफ कर रहे हैं, ये घटा रहा है ये बढ़ा रहा है ना। तो उससे वैल्यू चेंज हो रही है, समझ में आई? तो रीड ऑपरेशन अलाउ होता है, यहाँ पे हमें लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया भाई सबको? वापस आते हैं यहाँ पे। और बच्चों आपको ये सब याद ना करना कभी, आप ये प्रोग्राम बाजी के चक्कर में लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, आपको चीजें क्लियर करने के लिए मैंने ये सब पढ़ाया है। आपको जस्ट क्या याद रखना है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में बता दिया है, एक बार में एक ही प्रोसेस को अंदर जाना है। प्रोग्रेस देखो मैं साथ चाहता तो ये डेफिनेशन 3 लाइन की है, समझा सकता था बट नहीं समझा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर दिखाऊंगा प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग बहुत ही ज्यादा इजी बात है भाई। बाउंडेड वेटिंग आपको पेपर में भी चेक करने के लिए आ जाए ना, कब सेटिस्फाई होगी? देखो अगर हमारे पास 2 ही प्रोसेस है तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई है।
तीन होते तब भी होती, चार होते तब भी होती, कई बार पेपर में क्वेश्चन में दे देगा, मान लो उसने पीआई प्रोसेसेस दे दी और कोई प्रोग्राम दे दिया है ना, अब ये पूछ ले इनमें क्या क्या सेटिस्फाई है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, बाउंडेड वेटिंग है क्या, प्रोग्रेस है क्या, या फर्स्ट एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड, वट एवर। तो बच्चों जब इसने पीआई दे दिया ना, अगर प्रोसेसेस काउंटेबल ना हो, आई की फॉर्म में दे दिए, तो यहाँ पे हम कह देंगे बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं है, पेपर की टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ मैं, क्लियर हुआ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इस कोड में एक बार में एक ही जा पा रहा है क्या, अभी वैसे एक प्रोग्राम लूंगा मैं, क्लियर करूंगा ये बात, ठीक है। बट बाउंडेड वेटिंग तो पेपर में चेक करनी बहुत ही आसान हो गई, क्या करना है, अगर उसने कह दिया तीन प्रोसेस है, चार है, पांच है, आठ है, तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई है, अगर वो कह दे आई प्रोसेस है, एन प्रोसेस है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है। एन का मतलब क्या है, अब पता ही नहीं कितने हैं भाई, अब नहीं पता तो क्या बाउंडेड, बाउंडेड तो समझ रहे हो ना भाई, एक वेट हो तो एक बाउंडेड तो हो, मुझे तीन की वेट करनी है, चार लोगों की वेट करनी है, 10 की वेट करनी है, मैं कह दूं मुझे आई की वेट करनी है, तो पता ही नहीं कितने हैं, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 1000 है, क्लियर हुआ। तो बाउंडेड वेटिंग अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो स्टार्वेशन आ सकता है ना, कि ये बैठा ही है, बच्चों सोचो लॉक लगा के बैठ गए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, चलो लॉक के केस में समझ में आता है कंज्यूमर आया, इसे पता है एक ही तो आदमी है प्रोड्यूसर, करने दे प्रोड्यूस, जब ये जाएगा मैं काम कर लूंगा। अब अगर 100 होते तो इसे यही नहीं पता ना बेचारे को वेट कब तक करना है इस लॉक का, क्लियर हुई कि नहीं, हाँ जी, समझ में आ गई बाउंडेड वेटिंग। तो ये तीन ही कंडीशंस हैं, यस और चौथी क्या है, नो अजम्पशंस रिलेटेड टू हार्डवेयर या प्रोसेसर स्पीड, मतलब हार्डवेयर की प्रोसेसर की स्पीड पे हम कोई अजम्पशंस खुद से नहीं लेते। अब देखो सुबह अनुराग बता रहे थे कि डेडलॉक भी होता है ना, बट डेडलॉक बच्चों इसकी कोई कंडीशन में नहीं होता, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। बट क्वेश्चंस में आता है डेडलॉक, वो कैसे आता है मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, हम डायरेक्टली मूव करते हैं किसी एक क्वेश्चन पे जिससे कि आप समझ पाओ यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहीं से ये क्वेश्चन हम समझ जाएंगे बच्चों, ये आप मुझे ये बता दीजिए ये बात क्लियर है या नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे बताओ, अगर मान लो S1 बराबर है S2 के, तो क्या आप क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करोगे या नहीं, पहले बताओ तब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब है एक ही स्टेटमेंट को कंसीडर करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये सेमीकोलन चलेगा वापस यहाँ जाएगा, तो एक बार बताओ ये तो कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी जब आप नीचे जा ही नहीं रहे, तो क्लियर हाँ हुआ, जी, सबको क्लियर है भाई ये बात, नहीं हो तो बता दो, अगर ये सेमीकोलन यहाँ नहीं होता तो ये इससे जस्ट अगली लाइन को अपने अंदर समझता, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता तो ये दोनों लाइन इसके अंदर है, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो केवल एक ही लाइन को अपने अंदर समझता है, और आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आपको पता है प्रोग्रामिंग में एक लाइन का मतलब होता है सेमी कॉलन, अब आपने सेमी कॉलन यहाँ लगा दिया वैसे ही, तो इसका मतलब अगर इस लाइन को आप ऐसा भी समझ सकते थे, तो इस टाइम पे व्हाइल सिर्फ अपने अंदर क्या कंसिडर कर रहा है सेमी कॉलन को, यानी एम्प्टी स्टेटमेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ जी, अब आप यहाँ पे ये वही यस वाली कहानी समझ लो, ये है प्रोड्यूसर आप है ना, और ये है कंज्यूमर है ना, ये है क्रिटिकल सेक्शन, ये काउंट को कर रहा था, कंज्यूमर घटा रहा था ना -1, ये काउंट को कर रहा था +1 है ना, मैं आपको दिखाता हूं वहां पे ये लाइन कैसे अचीव की जाती, देखो ये तो लाइन हटाई देते वहां पे, सिर्फ हमें ये व्हाइल लूप लगा देना था, ये यहाँ पे मैंने लाइन रिप्लेस करी दी है ना, दो S1 S2 नाम के वेरिएबल लेने थे है ना। अब जैसे क्वेश्चन गेट, गेट का क्वेश्चन है किसी ईयर का, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं, P1 प्रोसेस P2, यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो भी हमने माने, सब लोग भाई हिना निताश्री पूजा सब प्रेजेंट हो ना, ये बात अच्छे से समझ ली, यस पूरे का पूरा प्रोसेस इंक्रीजन बहुत बेहतरीन क्लियर हो जाएगा है ना, और बहुत ही हल्की बात है, जस्ट लाइक रीजनिंग है ना, मुझे करना क्या है एक बार में इस क्रिटिकल सेक्शन को दोनों में से एक ही पर्सन एक्सेस कर पाए है ना, बनाते तो हम ऐसे हैं लेकिन यहां इसने बना बनाया है कोड दिया है, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है प्रोग्रेस नहीं है, या प्रोग्रेस सेटिस्फाई है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है, दोनों ही सेटिस्फाई है, तो अब मुझे चेक करना है क्या सेटिस्फाई है क्या नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपको मैंने बता ही रखा है क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक बार में एक ही पर्सन अंदर जा पाए, प्रोग्रेस मैंने नहीं बताया, पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक कर देता है फिर प्रोग्रेस बताऊंगा, फिर उसको चेक कर लेंगे है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसने कहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल S1 और S2 की रेंडमली कुछ भी असाइन कर लीजिए, पूजा जी S1 और S2 को कोई भी वैल्यू दे दो जो आपका मन करे, और ये कैसे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे आप एक बार देख भी लीजिए, बुलियन वेरिएबल है
तो वैल्यू 10 15 20 50 नहीं दे सकते आप, क्या दो वैल्यू दे सकते हैं? आइदर फॉल्स, जीरो और वन, यानी ट्रू और जीरो फॉल्स। और वन। हाँ बताइए आपको क्या देनी है, जो आपका मन करे, S1 S2 को कुछ भी वैल्यू दे दो। जीरो वन, जीरो जीरो वन दे वन दे, चलिए ठीक है, 0 1 दे दी। अब 0 1 दे दी तो अब देखो क्या किसी पर रोक टोक है कि प्रोड्यूसर ही अंदर जा पाएगा या कंज्यूमर? दोनों चालाक है, नहीं दोनों सोचे मैं अपना काम पहले कर सर। लूं। प्रोड्यूसर आ गया जी अंदर, और इधर कंज्यूमर भी आ गया। बट आप तो अब यूनि प्रोसेसर हो ना, आप तो एक बार में एक को चला सकते हो। अब मैं कह दूं आकांक्षा तुम इसे चलाओ, हिना आप इसको चलाओ, तब तो चल सकता है क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेसर हो गए। बट हम एक ही प्रोसेसर है, मान लो मैं रन कर रहा हूं तो मैं एक प्रोसेसर हूं, तो या तो मैं प्रोड्यूसर को चला सकता हूँ या कंज्यूमर को। इसको भी चलाऊंगा फिर इसको भी चलाऊंगा, बट वन एट ए टाइम। समझ में आई? ये तब पॉसिबल होता है जब मल्टी प्रोसेसिंग होती, यानी मैं एक काम हीना से कहता और एक काम आकांक्षा से कहता, तब ये काम हो जाता। मगर उस केस में मुझे इन दोनों के बीच, अब देखो हीना ने चलाया ये, आकांक्षा ने चलाया ये अगर आंसर को अटेम्प्ट करने लगेंगे तो गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसे दूसरे का रिजल्ट पता ही नहीं है। समझ में आई? तो इन दोनों के बीच में मुझे सिंक्रोनाइजेशन करना अच्छा पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं अकेला पर्सन हूं, मैं पहले प्रोड्यूसर को चला के देख रहा हूँ, फिर कंज्यूमर को, फिर मैं रिजल्ट अपना एनालिसिस करके आंसर लगा दूंगा। ठीक है, तब मुझे, मेरे लिए थोड़ी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तब मुझे खुद पे लॉक नहीं लगाना है। बट अभी मुझे लॉक लगाना पड़ेगा, अगर हिना ने पहले करके कंज्यूमर का रिजल्ट लगा दिया तो इसका ऑप्शन चूज करने से पहले इसको वेट करना है इसके रिजल्ट आने का, जब दोनों का आ जाए तब ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। 0 1 वैल्यू आपने दी है, क्या 0 इक्वल्स टू 1 है आकांक्षा? नहीं कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स का मतलब आप इस ब्लॉक से आ जाएंगे बाहर। ब्लॉक से बाहर आते ही आप कहां बैठ गए? क्रिटिकल सेक्शन में। समझ भाई, अब इससे बाहर मत निकलो। मैंने क्या कहा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब सेटिस्फाई नहीं होती? देखो आप रूम के अंदर आ गए है ना, मान लो आप चेंज रूम में, चेंज रूम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, एक बार में एक ही पर्सन अंदर होना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए, है ना। अब आप अंदर आ गए तो क्या कोई और अंदर आ सकता है? मगर मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है, तो मैं क्या करूं, एक को अंदर भेजू और दूसरे को चेक करूं क्या ये किसी भी तरीके से अंदर घुस पा रहा है क्या? अगर ये इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे, कहीं से भी घुस पा रहा है, दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ दिस चेंज रूम इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो अब मैंने इसको अंदर ही रोक के रखा कि तू रुका रहे भाई, मैं देखता हूँ क्या कंज्यूमर घुस पा रहा है क्या। अब आकांक्षा यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या मानी थी आपने? 0। S2 की वैल्यू क्या थी? 1। 0 not equals to 1 कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो तो क्या ये अंदर जा ये पाएगा? तो ये इसी नहीं। एम्प्टी स्टेटमेंट को चलाएगा फिर चेक करेगा। मैं अंदर ही बैठा हूं कि देखता रहूं कि इसे ट्राई कर लेने दे कितना करेगा, चाहे पूरी जिंदगी चलता रहे, क्या ये इसके अंदर घुस सकता है? तो मुझे एक चीज तो पता चल गई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है ना। अब बच्चों अच्छा प्रोग्रेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोग्रेस का। अच्छा प्रोग्रेस का मतलब बच्चों क्या होता है, कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं जीवन में या नहीं, यही तो प्रोग्रेस है कि नहीं है। अब एक बात बताओ आकांक्षा, प्रोड्यूसर ने कोई चीज क्रिटिकल सेक्शन में जाके प्रोड्यूस की है ना, ये कंज्यूमर था, अगर ये कंज्यूम करता फिर ये प्रोड्यूस करता, ये जरूरी है क्या? क्या ये दोबारा आके कुछ खाना कुछ और बना सकता है कि नहीं? बनाना चाहे जी तो, मान लो कंज्यूमर का मन नहीं है कंज्यूम करने का, प्रोड्यूसर की तो प्रोग्रेस सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये चाहे तो दोबारा कुछ बना सके, फिर कुछ बना सके, फिर कुछ बना सके, फिर कुछ बना सके, फिर कुछ बना सके। मगर जैसे ही ये यहां से निकला, इस टाइम कंज्यूमर घुस गया, इस बार ना घुस पाए। अगर ये खाली है तो ये घुस सकना चाहिए या नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ जी तो अगर ये खाली है घुसना और ये घुस सकता है तब क्या कहलाता है? अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये आपका चेंज रूम है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये चेंज रूम है ना, ये पीछे दीवार है, ये आपका मॉल है, ये आपका इधर मॉल है पूरा, है ना। आप मॉल से आए, कपड़े लेके चेंज रूम में गए, आप अंदर घुसे, आपने यहां से लॉक बंद कर दिया है ना। इस टाइम पे कोई और पर्सन आया, वो इसको नॉक करके देखा गया ये बंद है, क्या वो अंदर घुस पाएगा? नहीं। नहीं अब जब आप बाहर घुसेंगे, बाहर घुसते ही आप इसकी कुंडी को नीचे कर देंगे ना। अब आप बाहर गए, क्या ये अंदर घुस सकता है? वो घुस सकता है कि सब। नहीं? घुस सकता है। अगर कोई और है ही नहीं, आपने एक कपड़ा ट्राई किया, आप दूसरा ट्राई करने जा रहे हैं, क्या आप अंदर जा सकते हैं अभी या नहीं? आकांक्षा जी जा सकते हैं ना, फिर आप बाहर आ गए, फिर आप अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो यानी प्रोग्रेस इस केस में सेटिस्फाई है। अब मैं आप, क्या इस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई था बच्चों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई था, एक बार में एक ही जा पा रहे हैं ना अंदर, जब कोई अंदर है क्या दूसरा घुस पा सर रहा है? नहीं घुस पा रहा। हाँ प्रोग्रेस सेटिस्फाई है, क्या तुम बाहर जाने के बाद दोबारा अंदर जा सकते हो? जा सकते हो, है ना। अब आप सर एक दूसरा चेंज रूम का एग्जांपल समझिए, ये मॉल वाला है, इसने क्या करा, भीड़ बहुत लग जाती है, इधर लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसने क्या कर दिया,
अलग अलग कर रास्ता बता दिया, अगर मेंस को आना है तो इस सेक्शन से है, वीमेन्स को आना है तो इधर से है, क्लियर है भाई? हेलो, और मैन वीमेन छोड़ो, मतलब एक बार में आप इधर से आएंगे, अब इधर इसमें कुंडी यहां से भी है और कुंडी यहां से भी है ना शुरू में। अच्छा एक बात बताओ, जब ये गेट बना के गया होगा कोई इसका कारीगर, क्या वो दोनों कुंडी बंद करके गया होगा क्या बाहर? जब नहीं, जिसने एक मॉल में को दरवाजा खुली। बनाया होगा तो या तो वो इस दरवाजे से बाहर निकला होगा या इस दरवाजे से बाहर निकला होगा, है ना? बोलो भाई, इस ट्रायल रूम को गेट बना के वो कहीं से भी बाहर मान लो, बताओ कहां से मानना आपको? इधर से बाहर निकल गया मान लेते हैं, है ना? तो ये वाली कुंडी ओपन है कि नहीं है? है। यस अब एक बात बताइए, मैन को अंदर जाना है, क्या जा पाएगा? नहीं। ट्रायल रूम खाली पड़ा है, इधर से खुला पड़ा है गेट, ये घुस रहा है अंदर? मैंने कंडीशन बना रखी है, मेंस को यहीं से घुसना है, वीमेंस को इधर से घुसना है ना? बट कंसीडर करो, और निकलना इधर से है अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि उस गेट पर रश है, आप इधर से निकल सकते हैं। ओके, इसको निकलना है तो ये इधर से निकलेगी, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो सिचुएशन कंसीडर करिए, एक मैन आया वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, क्या अंदर जा पाएगा? नहीं। बट मान लीजिए एक वीमेन आई, उसने अपना चेंज किया, यहाँ पे अंदर आके उसने लॉक लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है? क्या कोई और लड़की अंदर आ सकती है? नो क्या कोई मैन अंदर आ सकता है? गुंडी बंद है नो ना, नहीं आ सकता। बट जब ये लड़की बाहर जाएगी, ये दरवाजा खुलेगी और बाहर निकल जाएगी। निकल गई? हेलो, निकल गई बाहर। अब अगर इस लड़की को अंदर घुसना है तो घुसने के लिए इधर से एंट्री नहीं है, इधर से केवल एग्जिट है। तो इसको घुसना है वापस तो किधर से जाएगी? इधर से। अब आप सिर्फ ये सिचुएशन कंसिडर करिए, इसने अपना एक ड्रेस चेंज की, अभी कोई है ही नहीं मॉल में, मगर ये इधर से वापस नहीं घुस सकती। जब ये अंदर घुसी थी इसने ये लॉक बंद कर दिया था, और ये यहां से बाहर निकली थी, निकली थी कि नहीं? अब ये दोबारा इधर से अंदर जाएगी, क्या ये जा पाएगी? नो नो। सर, अब ये कब तक अंदर नहीं जा पाएगी, मुझे कोई बताएगा? तक कोई मैन जब तक कोई जो मैन है मॉल में नहीं आएगा, वो कुछ चेंज नहीं। अब जैसे मैन आया कोई, उसने अपनी शर्ट ली, अंदर गया चेंज करने के लिए, अब वो अंदर आते ही इस लॉक को कर देगा बंद, क्या इधर से कोई वीमेन आ सकती है? नहीं। क्या इधर से कोई मैन आ सकता है? नहीं। नो। दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड, इज इट और नॉट? है। हाँ जी, यस सर। लेकिन अगर आप देखें, अब ये बाहर निकल गया है ना, अब इसे लगे यार ये वाली शर्ट नहीं, दूसरी चेंज करनी है, ये बाहर निकल के अगर इधर आए, इसने तो अंदर घुसा था तो कुंडी बंद कर दी थी, क्या ये दोबारा अंदर जा पाएगा? ये भी नहीं, नहीं जा पाएगा। नो तो प्रोग्रेस इस केस में सेटिस्फाइड नहीं है। आपने ये चीज अचीव कैसे की? आपने शेयर वेरिएबल को ऐसा कर लिया, एक बार में एक ही एक्सेस कर पाए, मगर आपने यहाँ पे प्रोग्रेस को सर। सेटिस्फाई नहीं रखा, तो इज इट ए डिजायरेबल सिचुएशन? आपने तो नास ही कर दिया। अगर कोई दूसरा नहीं आ रहा तो आपकी थ्रूपुट तो बिल्कुल ही घट जाएगी, आप वो खाली हाँ होते जी, हुए भी काम नहीं कर यस पा सर। रहे। सोचिए आपने कैसा फंदा बना लिया कि चीज खाली है, आप तब भी यूज नहीं कर पा रहे, समझ आई? यस सर। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, है ना? म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम चेक कर चुके थे, सिचुएशन बिल्कुल सेम है। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करने के लिए बच्चों चाहे दोबारा कुछ लेके देख लो आप, मैं यहां से हटा देता हूँ ये सारा तमाशा। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे बनते हैं, ये टफेस्ट लेवल था इसका, है ना? और प्लस ये क्वेश्चन मेरा इसलिए समझाने का पर्पज नहीं था आपको कि क्वेश्चन में करवाना सिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेरा पर्पज था व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप समझ पाए लॉजिकली, व्हाट इज प्रोग्रेस आप समझ पाए लॉजिकली। अब इस क्वेश्चन में अच्छा एक ई ऑप्शन होता कि बाउंडेड वेटिंग इज सेटिस्फाइड, इज इट ट्रू और फॉल्स, कोई बताएगा? ट्रू है ना, मैंने बताया था बाउंडेड वेटिंग में 1 2 3 4 अगर गिनती के प्रोसेस है तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, वरना आप क्रॉस कर देंगे कि सेटिस्फाइड नहीं है। ओके चलो अब वापस से उसको चेक करते हैं, किसको? ये जो चेचे चेक करनी है, मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है, S1 S2 की कोई भी वैल्यू मान लो, मान लो मैंने 1 1 मान ली है ना, कुछ भी मान सकता हूँ भाई मैं। क्या प्रोड्यूसर 1 = 1 कंडीशन ट्रू है, यही घूमता रहेगा, क्या ये अंदर जा पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में? हेलो, नहीं नहीं, जा सकता ना, इसको चेक करो भाई। S1 ≠ S2 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप अंदर चले जाओगे। अब P2 यहाँ अंदर बैठा है, मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करने के लिए, देखो करने का तरीका क्या होता है, पहले एक को अंदर घुसा के देखो, अभी घुस गया ना अंदर, अब इसे यहीं बैठा के रखो, इस टाइम पे कोशिश करो क्या दूसरा घुस पा रहा है क्या? हेलो, क्या दूसरा घुस पा रहा है क्या? अब चेक करा आपने तो S1 = S2 है, तो क्रिटिकल सेक्शन में ये आ ही नहीं पा रहा, चाहे जिंदगी भर ये यहां बैठा रहा है, ये अंदर घुस ही नहीं सकता, दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई है। समझ में आ गई भाई? पूजा, हाँ यस सर, निताश्री, यस सर, शिवानी, शिवानी चीज क्लियर है? कहां पे गई भाई ये? चलो क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही ना, है क्लियर। ना? अब देखो प्रोग्रेस और चेक करनी है क्वेश्चन में, जब तीसरी चीज दे ही नहीं रखी तो मुझे इन दोनों को तो चेक करना था, चेक करके देख लो।
प्रोग्रेस को चेक करने का तरीका क्या, मैंने क्या बताया, एक को अंदर घुसा के अगर वो ही दोबारा अंदर जा पा रहा है, दैट मीन्स प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है ना। हेलो, अगर हाँ मैं जी बाहर जाने के सर, बाद बिना किसी दूसरे की, देखो प्रोग्रेस का मतलब कैसे हो जाता है, ये जा पा रहा है, ये तब जा पाएगा जब ये अंदर जाएगा, अंदर जाके बाहर निकले, तो फिर प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं होती, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो। बट अभी अंदर कौन गया था भाई, S1 बराबर S2 था, है ना, वन वन था, तो कौन अंदर गया था, ये तो यही बिल्कुल घूमता जा रहा था, P2 अंदर गया था, है ना। P2 जब बाहर निकलेगा, आकांक्षा तो क्या करके जा रहा है, नॉट ऑफ S1 को किसमें डाल रहा है, S2 में, S1 की वैल्यू है 1, नॉट ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा ये, 0, 0 किसमें असाइन कर रहे हो, S2 में। अब दोबारा इसे ही घुसा के देखना, S1 नॉट इक्वल्स टू S2, S1 की वैल्यू है 1, S2 की वैल्यू है 0, कंडीशन हो गई ट्रू। अब P2 अंदर ही नहीं जा सकता, कब तक, जब तक ये अंदर ना जाए। अब आप चाहे कोशिश करके देखो, चुपी घुस जाएगा P1, अभी तक नहीं जा पा रहा था, आप देखो P1 को चेक करके देखना, इस टाइम पे 10 मिनट बाद P1 आया, S1 की वैल्यू क्या है, 1, S2 की वैल्यू कितनी, जीरो 0, 1 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। और जब ये अंदर है, आप कोशिश करना P2 जा पाएगा क्या, 1 नॉट इक्वल्स टू नहीं 0 ट्रू होता रहेगा, ये अंदर ही नहीं जा पाएगा, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है, प्रोग्रेस नहीं है, ये आपका आंसर हो जाता, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस, क्लियर। हेलो, जी अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है, इस क्वेश्चन को चेक करना है और ये बताना है क्या इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, क्या इसमें प्रोग्रेस सेटिस्फाई है, क्या इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन में प्रोग्रेस दोनों सेटिस्फाई है, क्या दोनों चीज सेटिस्फाइड नहीं है, है ना। और ये दोनों चीज सेटिस्फाई नहीं है और डेडलॉक है। अब देखो यहाँ पे शायद इसके अंदर डेडलॉक आएगा, वो सिचुएशन देखेंगे अगर आ रहा है तो। मैं देखता हूँ, PTPS ST TS, हाँ शायद यहाँ पे डेडलॉक आ सकता है, एक बार कोशिश करते हैं अभी, है ना। अब आकांक्षा जी, मुझे इसमें क्या चेक करना है, मेरा ऑप्शन नंबर ए है, प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस सी है, डेडलॉक कैन बी देयर, है ना, और प्रोग्रेस डी है, मान लो कोई और ऑप्शन वो बना लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी रन हो के आएगा, ऐसा मुझे ध्यान नहीं है क्या है, और जरूरी नहीं है प्रोग्राम के कुछ आंसर्स कुछ भी हो सकते थे, बट हमने यह बना लिया, तो हमें क्या सेटिस चेक करना आना चाहिए भाई, प्रोग्रेस चेक करनी आनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना आना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना कैसे सिखाया मैंने नीताश्री, आप एक को अंदर ले जाओ क्रिटिकल सेक्शन में, फिर दूसरे को घुसाने की कोशिश करो, वन बाय वन काम करो भाई, एक आ गया तो दूसरा ना पाए, ये थोड़े बीच बीच में चेत थोड़ा परेशान करके देखते रहो, नहीं तो। अच्छा, इनिशियली SOT की वैल्यू क्या दे दी इसने, 1, है ना, तो P, अच्छा अब मैंने P और V ऑपरेशन नहीं बताया आपको, ओके ये वाली कहानी तो बची गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। बच्चों एक क्वेश्चन यहां से, ये आपके पास इस चीज की सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। देखो सीमा फर्स्ट में ये इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन में लॉग वेरिएबल स्ट्रिक्ट अल्टरेशन पीटरसन, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये हो सकते हैं बाइनरी काउंटिंग, और कंपाइलर सपोर्ट ये होते हैं। जब गेट में पढ़ते हैं तो डिटेल इसके लिए 12-15 घंटे लगेंगे मिनिमम, सारी चीजों को समझने में पढ़ने में। इसकी मैंने स्ट्रिक्ट अल्टरेशन लॉक वेरिएबल ये काफी सारी चीजें आपको समझा दी है ना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन और चीजें करने में समय लगेगा, वो हमें नहीं लगाना है ना, क्योंकि इतना डिटेल आता नहीं है, ठीक। तो ये सारे सॉल्यूशन मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, दो तरीके के सीमाफोर हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी सीमाफोर बच्चों जो अभी हमने पढ़ा था वैल्यू 0 या 1 है ना, एक काउंटिंग सीमाफोर और होता है, काउंटिंग वाले जिनमें वैल्यू 0 या 1 के अलावा भी कुछ और हो सकती है। सब लोग भाई 5 मिनट फोकस कर लीजिए बस, नीताश्री हमारे पास काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है, जिसमें वैल्यू 0 या 1 के अलावा भी कुछ और हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, आपके डी ट्रिपल एसबी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर क्वेश्चन जैसे मैं ये समझा रहा था ना, ब्रॉक ये सेटिस्फाई वो सेटिस्फाई, ऐसा नहीं आता, ये क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ये आया भी होगा, हुआ है, ठीक है। तो देखो काउंटिंग सीमाफोर, देखो इसने सीमाफोर है और कौन सा है, काउंटिंग वैल्यूज की इनिशियलाइज क्या दी है, 17, क्या वैल्यू दी है, 17, हेलो, है ना। इस सीमाफोर पे हमने ये वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, आफ्टर द ऑपरेशन सीमाफोर की वैल्यू क्या होगी, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। ऐसे क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर DT+B, नैनो सेकंड का क्वेश्चन है। देखो कौन सा, कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे, P एंड V। अब इनका नाम P और V क्यों रखा गया भाई, इसको मैं लॉजिकली आपको कुछ याद नहीं करा सकता, इनका मतलब है उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कैसे ध्यान कर रखा है, मतलब आप थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, P और V आएगा तो बाकी ऑपरेशन याद रहते हैं। देखिए
हम पी ऑपरेशन का और नाम क्या है, स्लीप ऑपरेशन भी है। स्लीप का मतलब घटना होता है, बढ़ना होता है। अगर आप सो रहे होंगे तो आपकी चीजें घटेंगी या बढ़ेंगी, घटेंगी ना, वेल्थ की टर्म में। आप कुछ काम कर पाएंगे क्या उस टाइम पे, नहीं ना। या आप वेट कर रहे होंगे तो कोई काम कर पाएंगे, नहीं। डाउन डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, वेट ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, पी ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, स्लीप ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं। ये चारों नाम एक ही है। क्लियर हुआ? पेपर में जनरली इनसे क्वेश्चन बनता है, पी या वी बोल देते हैं, शॉर्ट में होता है ना लिखना। या हेलो बोल भी दो भाई, ये चारों नाम क्लियर है क्या? चारों में से कुछ भी दे, इसका मतलब क्या है, सीमाफोर की वैल्यू एक घटानी है, डिक्रीज करनी है बाई वन, डिक्रीज बाई वन। अब का मतलब क्या होता है, सीमाफोर की वैल्यू एक बढ़ानी है। सिग्नल का मतलब भी सेम है, वैल्यू एक बढ़ानी है। वी का मतलब भी सेम, एक बढ़ानी है। रिलीज का मतलब भी एक बढ़ाना है। देखो बच्चों, इनमें रटने वाली कोई चीज थी नहीं। अप याद आएगा, अप का मतलब क्या होता है, उठाना जगाना, यानी एक बढ़ा रहे हो। सिग्नल का मतलब बढ़ा रहे हो। रिलीज करना, किसी का कोई चीज रिलीज करा तो उसके पास आइटम बढ़ेगा या घटेगा। मैंने जिस बढ़ेगा। तरीके से जिंदगी में अपनी चीजें याद रख रखी हैं, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैंने उठा के भी नहीं देखा कितने सालों से कोई सी चीज। लास्ट टाइम इनको पढ़ाया था, जो टीजीटी में बच्चों को पढ़ाया था, उसके बाद 1.25 साल 1.5 साल हो गया होगा। अभी पहली बार टच कर रहे हैं, तो गौरव आप चीज देख सकते हो, जो पिछली बार जहां जैसा था ना वो चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला तब से अब तक, और ऐसे पढ़ने का होता नहीं है ना। वरना मैंने सोचा था कि बीच में बहुत अच्छे से खुद थोड़ा मतलब इनोवेटिव टाइप में स्लाइड्स या चीजें बना के बहुत अच्छी पीपीटी या लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह के लिए तैयार करता, बट 1 सेकंड एक भी अक्षर कुछ मतलब पिछले साल से अब तक देखोगे ना, तो एक सिंगल वीडियो 2 सेकंड की भी यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला है ना। बट बच्चों फिर भी आज भी ये चीजें ऐसे ही पता है, क्योंकि हमने जैसे कर रखे हैं मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। अब ये पी या वी में बहुत कंफ्यूजन रहती है, वही बात कि आप दो सब्जेक्ट और पढ़ोगे पी वी भूल जाओगे। बट अच्छा मैंने कैसे याद रख रखा है, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो वी के साथ कोई और ऑपरेशन थोड़ी यूज करेगा, पी करे या जो मर्जी करे, यानी ये घटने के लिए और ये बढ़ने के लिए। बोलो हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? अब इनिशियल वैल्यू कितनी थी बच्चों, 70 है। अब आपने क्या करा है, 23 घटाया है, 18 बढ़ाई है, तो -23 + 18, तो अभी हमारे पास माइनस का कितना बच रहा है, 5, है ना। माइनस का 16 और हो गया तो -21, प्लस का 14 हुआ यानी -7 अभी भी है, और अभी क्या है 1p, यानी -1 और किया -8 हो गया। आपके पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 17, 8 इन सारे ऑपरेशंस के बाद -8 हुआ कि नहीं। अरे भाई बच्चों, 17 माइनस 23 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 1, इसे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वही 17 में से 8 जा रहा है, कितना बच गया, 9। क्लियर हो रही है बात? क्या ये क्वेश्चन करने में बड़ी भारी तोप काम है क्या वहां पे, बोलिए भाई। इजी है, सब लोग कर लेंगे ना इसको, तो ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूं मैं। और वहां पे ये ऑपरेशन पूछ ले, अब पूछ ले इसका मतलब कौन सा है, अब इनके कई सारे नाम है, वहां पे क्वेश्चन बन सकता है ना, इम्पोर्टेंट बन सकता है कि नहीं। काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी यस सीमाफोर का अंतर समझ में आया? काउंटिंग में वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, बाइनरी की केवल 0 या 1 होगी। इसके बाद इस पे माइनस ऑपरेशन करूंगा तो -1 हो ही नहीं सकती, यानी ये प्रोसेस यहीं पे अबॉर्ट कर देगा। अब उस क्वेश्चन को समझते हैं। हेलो, जैसे अगर काउंटिंग सीमाफोर ठीक होता तो वैल्यू किसी की 0 हो चुकी, तो इसके पास इस पे पी ऑपरेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी कर देगा, -1, फिर करूंगा तो क्या कर देगा, -1। लेकिन अगर ये सीमाफोर कौन सा होता आपका, बाइनरी, तो 0 के ऊपर पी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होता, वो कहां चला जाता, वेटिंग में चला जाता। समझ रहे हैं आप बात की नहीं, यानी वो आके अलाउ नहीं करेगा। तो बच्चों ये लूप वूप ना लगा के ना मैं काम पी और टी से करता हूं। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने का आपके पर्पज से नहीं है, सब कुछ यहीं से सॉल्व हो जाता है। देखिए इसलिए इसके बाद मैंने कुछ रखा भी नहीं है, यहीं पे एंड कर दिया है, फॉर्क सिस्टम कॉल पढ़ाई, दैट इज समथिंग एल्स, नया टॉपिक है। समझ आ रही है बच्चों? हेलो, ये क्वेश्चन यस इन्हें समझाने के लिए रखे थे। अब देखो यहाँ पे पी या वी को समझाना था मुझे, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों। इनिशियली मैंने क्या माना, एस और टी है 1। दोबारा हम दिमाग से म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ये सारी चीजें चेक करके देखते हैं बच्चों। गेट का, नेट का, इसरो, डीआरडीओ, जो मर्जी पेपर है, इससे टफ या इससे ओवर लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन सकते इसमें। अब इसमें भी कोई छोटा क्वेश्चन वैसा बन जाएगा तो आप कर पाएंगे, या पी और टी ऑपरेशन, वी ऑपरेशन तो याद रहेंगे आपके पेपर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इस तरीके का, ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर वाला। ऑपरेशंस के नाम इंपॉर्टेंट है, प्लस जो पहली स्लाइड बताई वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये सारी चीजें तो अपने आप क्लियर हो ही गई होंगी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है, और बाउंडेड वेटिंग क्या होती है। क्या ये टर्मिनोलॉजी भी हाँ भूलेंगे क्या इतना पढ़ने के बाद?
बोलिए, है सर। ना। अब यहाँ पे हम ही क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई है। तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम चेक करके देते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए मैंने क्या बताया, एक बार एक को अंदर घुसा लो, दूसरा अंदर नहीं जाना चाहिए। पी ऑपरेशन एस के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, एस की वैल्यू क्या है आकांक्षा, वन 1। क्या पी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, क्या हो सकता है ना, बोलिए, बोलो भाई। अरे पी का मतलब यस क्या था, जो सर घटाना है, इसकी वैल्यू 1 है तो 0 तो कर सकता है ना। बाइनरी सीमाफोर की होती वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, तो अभी 1 है, घट है। तो हाँ सकती है ना। अब एस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई है ना। टी की वैल्यू को भी जी घटा सकता है, 0 कर देगा, ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, आप नीचे आ जाओगे। तो इस टाइम पे क्यू कहाँ आ चुका है, क्यू यहाँ बैठा है क्रिटिकल सेक्शन में। अब पी को घुसाने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा। अब आप कहो सर पहले क्यों ना घुसाने की कोशिश की, तो मैंने क्या बोला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने का तरीका क्या है, एक को पहले अंदर ले आओ, फिर चेक करो दूसरा आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। बच्चों समझ आई, तो अब एक अंदर बैठा है ना, देखो कई बार ना बच्चे इस चीज से हट जाते हैं और फिर वे कहते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हो ही नहीं रहा है। तो तीन ही चीजें चेक करने को हो सकती हैं, प्रोग्रेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन या बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग इस केस में सेटिस्फाई होती, कोई समस्या ही नहीं है। बची प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने का तरीका क्या है, एक को अंदर ले आइए, आ गया, अब दूसरे को लाइए। हाँ क्या टी के ऊपर इस टाइम पी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, पी, बोलो। नहीं टी की वैल्यू क्या है इस टाइम, 0, तो इसके ऊपर पी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, और परफॉर्म ही नहीं हो सकता तो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता, और निताश्री अगर ये आगे नहीं बढ़ सकता इसका मतलब क्या हो गया, अंदर नहीं जा सकता। समझ आई या नहीं। सकता। तो यानी अब मैंने एक चीज चेक कर ली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, क्लियर। अब अगली चीज चेक करते हैं, अगली चीज क्या चेक करनी थी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस सेटिस्फाइड चेक करने का तरीका क्या बताया, किसी एक को अंदर लेके जाओ, उसे दोबारा घुसा के देखो, क्या वो दोबारा खुद भी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस के लिए। भाई अगर आप अपनी प्रोग्रेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो फिर मतलब आपकी प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब मान लो पी अंदर घुसा था, मैंने घुसाया था ना अभी क्यू को, क्यू को बाहर निकालो, बाहर निकलते हुए क्या कर रहा है, वी की वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। टी की वैल्यू एक बढ़ा हाँ दी, 1 कर दी, फिर एस की वैल्यू एक बढ़ा दी, 1 कर दी, क्या अब ये खुद अंदर घुस सकता है, दोनों की वैल्यू फिर 1 1 है, फिर घुस सकता जी है। पी चाहे आए ना, ये हजारों बार भी अंदर घुस सकता है, यानी प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है। समझ आई, क्लियर है कि नहीं है बच्चों। और बाउंडेड वेटिंग भी इस केस में सेटिस्फाइड थी। देखो बच्चों पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पे प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं थी, यहाँ पे है ना। तो ऐसा जी जरूरी नहीं है कहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। बच्चों पिछले वाले केस में, अब जैसे ही डेडलॉक है, सुबह अनुराग बात कर रहे थे कि डेडलॉक भी इसकी एक कंडीशन है, डेडलॉक नहीं है बट डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो सकती है। आकांक्षा यहाँ पे एक चीज देखिए भाई, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, पैरेलली चला रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं, तभी तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो हाँ यानी ये जी रोक टोक तो नहीं थी ना, क्यू और पी कब अंदर आ सके। भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मगर मतलब क्या है, अगर एक अंदर चला गया तो दूसरा नहीं जा पाए, तो पहले अंदर तो घुसने दो, इसलिए मैंने उसको चेक करते हुए दूसरों को टच नहीं किया। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, मैं अगर किसी चीज क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा हूं तो मैं बाहर निकलने के बाद फिर से क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस कर पाऊं, मुझे किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत ना हो कि वो जाएगा तभी मैं जा पाऊंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं थी, अगर हाँ एस जी वन बराबर एस टू था ना, अब जब तक पी टू अगर बाहर निकल गया तो दोबारा पी टू नहीं घुस सकता जब तक पी वन अंदर ना जाए, इसलिए मैंने आपको वो चेंज रूम वाला एग्जांपल दिया था। आप जिंदगी में ये चीज ध्यान रखेंगे ना, कभी दिक्कत ही नहीं आ सकती, इसके अलावा और कोई सिचुएशंस बनती ही नहीं है, लॉक लगाने के यही दो मेथड्स हैं। ओके वापस आते हैं यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे एक सिचुएशन अगर आप देखेंगे, बाउंडेड वेटिंग तो हो ही गई थी है ना, यहाँ पे अगर आकांक्षा, अब इसने एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि डेडलॉक भी वहां पे हो सकता है क्या, तो डेडलॉक का मतलब क्या है, फंस जाएंगे। अब मैं इन्हें फंसाने की कोशिश करके देखूंगा। आकांक्षा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसने पी ने एस को घटा दिया, क्या करा पी ने, एस को एक्सेस कर दिया, उतनी ही टाइम में वो पी ने टी को एक्सेस किया, क्यू ने एस को कर दिया, तो पी ये इसको घटा के क्या कर देगा, जीरो और ये टी को घटा के क्या कर देगा इतनी देर में, 0। अब जैसे ही क्यू नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्या ये टी पे पी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, पी का मतलब घटाना, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना बच्चों। अब ये भाई साहब यहां पे जो थे, नहीं अब क्या पी अंदर घुस सकता है क्या, पी एस के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि वो 0 इसने कर दिया था। अब ये दोनों ही बैठे रहेंगे पूरी जिंदगी, यहाँ स्टारवेशन नहीं है, डेडलॉक है, पूरी जिंदगी भी ये बैठे रहे ना, ये प्रोग्राम आगे चलना ही नहीं है, समझ भाई। तो यहाँ पे डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव इसका एक ऑप्शन रख लेते हैं,
ऑल ऑफ द अबव। ये अभी मैंने रन टाइम पे यहीं पे क्वेश्चन आपका बनाया है, हो सकता है उस टाइम पे कुछ और लिखा हो, ये रन टाइम क्वेश्चन है, तो इसकी प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, डेडलॉक भी यहाँ पे आ सकता है। देखो कैन बी देयर, जरूरी नहीं है हमेशा डेडलॉक आएगा ही आएगा भाई, हो सकता है ये चुपचाप अपना काम करके निकल ले, फिर ये कर ले, फिर ये कर ले, फिर ये कर ले, या पी कर ले, फिर दोबारा पी कर ले, फिर दोबारा पी कर ले, फिर क्यू कर ले, फिर पी कर ले, कैसे भी करते रहे, बट दोनों अगर एक साथ घुसने की कोशिश करने लगे ना, डेडलॉक आ जाएगा। मगर यहाँ पे बच्चों देखना, डेडलॉक आ सकता है क्या यहाँ पे, ट्राई करना, डेडलॉक का चांस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। एक बार में पी को भी ले आओ यहाँ पे और क्यू को भी ले आओ, पी को भी ले आए और क्यू को, दोनों के पैरेलल ही चलाने की कोशिश करना, इसकी कोई तो वैल्यू मानोगे, मान लो 0 और 1 मान रखी है, दोनों आए, ये भी चेक कर रहा है S1 बराबर S2, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, इसकी ट्रू होगी क्या, नहीं, ये यही ठीक घूमता रहेगा, इससे इसका कोई फर्क ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे डेडलॉक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेडलॉक इज ए सिचुएशन जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, उसका कोई लेना देना नहीं है किससे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मान लो ये पूछ लिया ना क्या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो इनमें से कौन सी उसकी कंडीशन होती है, अब देखिए दी बाउंडेड वेटिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और डेडलॉक, तो भाई साहब डेडलॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी और एक नई टर्म दे देगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तीनों इसकी है ही, समझ में आई। चौथी वाली तो हाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है, वो कभी पेपर में आएगा नहीं, तो चौथा ही ऑप्शन आपको कुछ और देगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें 4 ऑप्शन वाले टाइप बनते हैं ना वो। और भाई ये डेफिनेशन के लिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस और डिपेंडेंट प्रोसेस और क्रिटिकल सेक्शन, क्या है तीन, और रेस कंडीशन, क्या ये चारों डेफिनेशन बहुत भारी है क्या। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई शेयर नहीं वेरिएबल नहीं होता, डिपेंडेंट प्रोसेस या कोऑपरेटिव प्रोसेस वो होते हैं जिनके बीच में शेयर वेरिएबल होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो एरिया जहां पे आप क्रिटिकल सेक्शन को मतलब शेयर वेरिएबल को एक्सेस करते हो। रेस कंडीशन क्या होती है, आउटपुट ऑफ द प्रोसेसेस विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस, और पी ऑपरेशन वी ऑपरेशन आपको समझा चुका मैं, हेलो समझा चुका, पी हाँ और जी, वी, तो इसके कई और नाम भी मैंने आपको क्या बताए, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तीनों कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके। दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, माइट बी एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इफ नॉट यू कैन सी द वीडियो अगेन, ओके टुमारो विल डू द क्वेश्चंस, कल के लिए अब सर? टाइम डिस्कस कर लेते हैं, बोलिए।